हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? आज आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर सभी खंड करते हैं मित्रों। देखिए कहां तक कर पाते हैं हम, उन खंडों को देखते हैं। दो भागों में अपलोड करेंगे इस वीडियो को मित्रों हम। जैसे कि श्याम पट पर लिखा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर पहले को आप पढ़ लीजिए। देखिए तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप भी एक बार पढ़ लीजिए। तो ये कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना हो मित्रों, 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा माना प्रथम संख्या x। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ से सॉल्व हम कर रहे हैं, सॉल्व हम यहाँ से कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है ना, मैंने लिख दिया लेट प्रथम संख्या बराबर कितना x। ठीक है, यहाँ पे ये प्रथम है, लेट प्रथम संख्या बराबर x। ठीक है, तो एक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने ये फॉर्मूला आपको याद होगा 6, 7, 8 में, प्रथम संख्या गुणा दूसरी गुणा नहीं मित्र प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना योग। प्रथम संख्या दूसरी संख्या बराबर योग। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या प्लस बराबर योग। ठीक है, तो हम देखिए प्रथम संख्या हमने क्या मानी है एक्स, तो मैंने एक्स वहां पर रख दिया। ठीक है, और प्लस के दूसरी संख्या अपनी ऐसे ही दूसरी संख्या बराबर योग। योग कितना, देखिए अपना योग उन्होंने 27 हमें दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं योग दिया करके डाल देता हूँ। देखिए दिया ये दे रखा। ठीक है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है मित्रों, ये आपको याद होगा, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रथम संख्या को हमने एक्स स्थान रख दिया, दूसरी संख्या वासी है योग की जगह योग रख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितना 27, ये प्लस में उधर जा करके माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस के एक्स। ठीक है, तो फिर कर रहा है दोनों का योग वो हो गया। अब गुणनफल की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों का मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है डाल के। ठीक है ना, दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तब देखिए दोनों, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या तो ये हो गई अपनी ये वाली। ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना बताइए 182। ठीक है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 82। ठीक है, प्रथम संख्या कितनी थी अपनी x गुणा दूसरी संख्या कितनी थी अपनी 27 माइनस के x बराबर कितना 182। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 27x हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर गुणा कर लिया मैंने और माइनस के x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब देखिए सब चीज को मैं उधर को खींच के ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताइए 182 प्लस के x और माइनस के 27x। ठीक है, बराबर कितना बचा 0। ठीक है, ठीक है ना, देखिए तो बराबर अपना हकीकत पर यहाँ पर बचना चाहिए थे। ठीक है, ठीक है, तो बराबर उधर दिखा दो या इधर दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बराबर किधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया। आपको ध्यान क्या रखना, देखिए ये माइनस वाली चीज थी, तो इधर जाकर काम होगी ये प्लस में हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो चुका है, ये इधर प्लस में हो सके वैसे रखा। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस की यहाँ पर तुम्हारा 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें किस चीज से हम गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए गुणा किस चीज करते हैं, तो देखिए गुणा करके कितना मिलना चाहिए हमें, देखिए 182 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 14 की और गुणा हम 13 की करेंगे तो 27 मिल रहा है, जुड़ के कितना मिल रहा है मित्रों 27। ठीक है, तो 27। ठीक है, तो और गुणा करके जब हम गुणा करेंगे तो 182 मिल जाएगा। ठीक है, जोड़ के हमें कितना मिल रहा है 27 मिल रहा है। ठीक है ना, और गुणा करके कितना मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस की कितना, देखिए कितना 14x और माइनस की कितना 13x प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैंने एक्स बाहर ले लिया, यहाँ से एक्स माइनस की कितना बताइए 14 बच गया और माइनस यहाँ से 13 मैंने बाहर ले लिया, तो एक्स माइनस के कितना 14 बराबर 0। ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस के 13 ये वाली चीज मैंने ले ली है और ये ले लिया, एक्स माइनस के 14 ये ले लिया। ठीक है, बराबर कितना 0। अब एक एक के बराबर हम 0 दिखा देंगे, देखिए एक एक के बराबर 0 दिखा देंगे हम। देखिए एक्स माइनस के 13 बराबर 0, एक्स बराबर कितना 13, ये भी आ चुका है। और दूसरी संख्या कितनी आ गई, देखिए एक्स माइनस के 14 बराबर कितना 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा 14। ठीक है, दूसरी संख्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या करा, ये करा दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। ठीक है, 365 हो, ये कर रहा हमसे। ठीक है, करा वे क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365 हो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा मतलब दूसरा। ठीक है, मैंने लिख दिया लेट माना प्रथम पूर्णांक। ठीक है, प्रथम क्रमागत पूर्णांक, प्रथम क्रमागत की बात कर रहा हो, प्रथम क्रमागत मैंने लिख दिया, प्रथम पूर्णांक लिखूंगा पहले, प्रथम पूर्णांक। देखिये प्रथम पूर्णांक बराबर एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा, दूसरा क्रमागत एक्स प्लस के एक। ठीक है, दो क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहा हूं, तो पहले एक से स्टार्ट कर दिया हमने, एक्स से स्टार्ट कर दिया, फिर एक से। ठीक है ना, तो फिर क्या कर रहा है उनके वर्ग, उनके क्या कर रहा है वर्गों का योगफल। देखिए जिनके वर्गों का योगफल दिया है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना, दिया है जिनके वर्गों का योग फल कितना, योग फल 365 है तब। ठीक है, देखिए करा हमसे जिनके वर्गों का योग 365 है तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके वर्गों का योगफल, इन दोनों को पहले वर्ग कर लेते हैं। देखिए वर्ग इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम वर्गित तो करते हैं इनके, इनके वर्गों का योगफल मैंने वर्ग कर लिया, और साथ ही मैंने प्लस में प्लस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि वर्गों का योग, योग की बात कर रहा है। ठीक है, कितना बराबर कितना 365 है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया मित्रों, यदि सब्सक्राइब कर लेना मित्रों चैनल को, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो। देखिए जिनके वर्गों का, जिनके जिनके इनको मैंने वर्ग कर दिया, दोनों को वर्ग कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे जोड़ का निशान। ठीक है, बराबर कितना 365, क्योंकि योगफल कितना बता रहा 365। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए फिर इसके बाद में एक चीज, ठीक है, जो जो प्रश्न बता रहा उसी के हिसाब चलते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स स्क्वायर है, आप देखिए इसका फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक की घात दो प्लस के दो ए बी, तो दो ए की जगह कितना आपने देख बताइए एक्स गुणा बी की जगह कितना एक है। ठीक है, ठीक है ना, बराबर कितना 365। ठीक है, यहाँ पे मैंने मित्रों फॉर्मूला खोला, फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, घात दो बराबर क्या होता है बताइए, फॉर्मूला ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस के दो ए बी। ठीक है, तो देखिए जो मैं यहाँ पर या करके लिख देता हूँ, या ए बराबर कितना एक्स और बी बराबर कितना एक। ठीक है, जहां भी तुम्हें ए दिखाई, एक्स दिखाई दे रहा, एक्स के स्थान पर क्या रखिए, एक्स के स्थान पर क्या रखिए, सॉरी ए के, जहां भी तुम्हें एक्स, जहां भी तुम्हें ए दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए के स्थान पर क्या रखिए एक्स रखिए, जहां भी तुम्हें बी दिखाई दे रहा है बी के स्थान पर क्या रखिए एक रखिए, एक रखने के बाद में फॉर्मूला यही बन जाएगा। ठीक है, मान रख लेना। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर कितना जाएंगे दो एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो का ना दो और दो ये हो जाएंगे दो एक्स, और यहाँ पे कितना प्लस के एक। ठीक है, ये इधर को खींच लेंगे तो माइनस के 365 बराबर जीरो, अब यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स, और यहाँ से माइनस के 364 बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से मैं दो बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के कितना, जब दो बाहर ले लिया तो दो से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो से भाग देंगे, देखिए दो ही करना दो और दो अट्ठे 16 दो दूनी 4 तो 182 बराबर करना जीरो। ठीक है, तो देखिए पहले वाला सवाल बन चुका है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा करके कितना मिलना चाहिए एक, यानी कि एक्स मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस के 14 एक्स और माइनस के 13 एक्स, यानी 14 के 13 करेंगे तो पहला वाला सवाल बन गया 182 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बराबर जीरो बटे कितना हो जाएगा ये दो, ये जो गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बाहर ले लूँ मैं, 14 मैंने यहाँ से बाहर, सॉरी यहाँ से मैंने एक्स बाहर ले लिया, एक्स बाहर ले लिया, तो एक्स प्लस के कितना हो जाएगा 14 और माइनस यहाँ पर कितना 13 मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, तो एक्स और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कब जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस पहले से ही बाहर ले लिया। ठीक है, तो अंदर अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है तो जब मैंने इधर को एक माइनस ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा 14 बराबर जीरो, क्यों 14 क्यों, क्योंकि 182 में कुछ 13 का पहाड़ा 14 बार जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से एक्स माइनस के 13 और एक्स प्लस के 14 एक ले लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस के 13 मैंने ये ले लिया, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। ठीक है, अब एक एक के बराबर हम जीरो दिखा देंगे, देखिए एक एक के बराबर जीरो, एक्स प्लस के 14 बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना माइनस के 14 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या तो अपनी ये आ चुकी है, एक संख्या यहाँ पे देखिए एक के बराबर यहाँ पे ले लेंगे एक्स,
माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 13। एक आंसर अपने ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक भिन्न का हर, एक भिन्न का हर अंश, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, तब भिन्न तीन गुने उसके व्युत्क्रम के दो गुने से एक कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं लिख दूंगा माना वह भिन्न, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा, सोल्व हमने यहाँ पर देखिए सोल्व में साफ साफ डाल देता हूं, ठीक है। लेट भिन्न बराबर कितना, अंश बटे क्या होती है, अंश बटे हर होती है, ठीक है ना, अंश बटे हर, ठीक है। मैंने उस भिन्न को मैं क्या मान लिया, मैंने अंश बटे हर मान लिया। अब देखिए मैं दिया करके यहां पर डाल देता हूं, देखिए दिया क्या दे रखा, देखिए यहां पर दे रखा, ये कह रहा है एक भिन्न का हर, भिन्न का हर, देखिए मैं लिख देता हूं साफ साफ दे रखा, हर उसके उसके अंश से एक अधिक है, क्या कह रहा, हर उसके अंश से एक अधिक है, हर उसके अंश से एक अधिक है, ये साफ साफ दे रखा। तो देखिए हर हमने क्या माना, देखिए हर, हर को हमने देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा भिन्न ये मान लिया, मैंने माना, ठीक है, मैंने लिख दिया भिन्न बराबर अंश बटे हर, ठीक है। तो इससे पहले मैं लिख दूंगा, देखिए लेट अंश बराबर एक्स, ठीक है, मैंने लिख दिया भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो मैंने लिख दिया अंश बराबर कितना एक्स मान दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से देखिए फिर क्या होता है, तो इसके बाद में ये मान लिया मैंने, अब देखिए हर क्या अपना, हर अपना वैसा का वैसा ही है, ठीक है, हर बराबर मैंने कुछ भी नहीं माना, और यहाँ पे लगा देंगे हम देखिए बराबर, ठीक है, बराबर उसके, उसके की बात किस कर रहा, अंश के, ठीक है, अंश के, उसके इसमें किसके लिए कह रहा है, उसके जो आया है दूसरे पे, दूसरे अगले के लिए आया, उसके जो होता जैसे ब्लड रिलेशन में पढ़ाता नहीं, जिसके उससे अगले के लिए होता है, ये जो उसके अगले के लिए आया, ठीक है ना। तो अंश को हमने क्या माना एक्स, और अधिक का मतलब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, अधिक प्लस करते हैं, कम गुना अधिक, अधिक के लिए प्लस करते हैं, गुने को गुणा करते हैं, वहां का मतलब भाग, और कम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस अधिक की बात करो तो यहाँ पर एक आ जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा हर बराबर, ये हो जाएगा। अब देखिए तो मैं लिख दूंगा भिन्न बराबर, तो यहाँ से तो भिन्न में देखिए इसमें रखता हूँ, देखिए भिन्न, भिन्न बराबर देखिए अंश कितना था अपना एक्स, और हमने क्या माना था एक्स प्लस के एक, ठीक है, भिन्न ये बन गई है, ठीक है। फिर देखिए क्या करा इसके बाद में, ये क्या करा देखिए इसके बाद में, जरा भिन्न का तीन गुना, भिन्न का तीन गुना, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया करके, तो देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, दिया है भिन्न का तीन गुना, भिन्न का तीन गुना उसके व्युत्क्रम के दो गुने से एक कम है, ठीक है, जो भिन्न के तीन गुना, भिन्न का क्या, भिन्न का तीन गुना, ठीक है, देखिए भिन्न का तीन गुना बात कर रहा है, तो देखिए भिन्न का तीन गुना, कौन से वाली भिन्न का, इस वाली भिन्न का, जो तुम्हारी ये भिन्न बनी है, इस भिन्न का तीन गुना। तो यहाँ पर देखिए भिन्न तो तुम्हारी मैं लिख देता हूँ, देखिए भिन्न, या तो भिन्न की इसके स्थान पर देखिए क्या लिख देता हूँ मैंने, ये भिन्न, तो मैं भिन्न कौन सी वाली है अपनी, भिन्न ये है एक्स बटे कितना, एक्स प्लस के एक, ठीक है। अब इसका कितने गुना करा, तीन गुना, तो यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ तीन, ठीक है। अब करा उसके, किसके, उसके कौन सी वाली के लिए कह रहा बताइए ये, तो देखिए उसके की बात कर रहा है, उसके व्युत्क्रम के दो गुने, तो उसके मतलब बराबर लगा देंगे, ठीक है, उसके व्युत्क्रम, तो उसके किसकी बात कर रहा है, देखिए इसकी ही बात कर रहा है, उसके व्युत्क्रम, देखिए उससे पहले की बात कर रहा, तो उससे पहले कौन से ये था, इसको हमने करा तो ये चीज तो आ गई है, इसके बाद में ये वाली चीज है, ठीक है। तो इसके उसके कह रहा है इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, ऊपर वाली चीज को नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा इसका उल्टा कितना हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस के एक, और बटे ऊपर वाली चीज आएगी नीचे, इसका व्युत्क्रम तो ये आएगा, इसके व्युत्क्रम के बाद में बताइए क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम के दो गुने, तो इसका देखिए दो से मैं गुणा कर देता हूँ, देखिए इसका मैं दो गुने कर दूंगा, इसका नहीं कि दो से गुणा कर दूंगा, ठीक है, दो गुने, तो मैंने दो कर दिया, से एक कम, तो से एक कम मतलब माइनस का एक, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई नहीं, क्योंकि इतना भिन्न का तीन गुना, तो मैंने ये भिन्न ये बना ली, इसका तीन गुना हो गया, और उसके व्युत्क्रम इस वाली के जो भिन्न उनका व्युत्क्रम कर दिया मैंने, जे वाली जो भिन्न थी तुम्हारी इसका मैंने व्युत्क्रम कर दिया, उससे एक कम कर दिया, माइनस का एक, ठीक है। अब इसका हम हल कर लेते हैं, देखिए ऊपर तक तीन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से देखिए एक्स प्लस के एक बराबर क्या, बराबर,
ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जब मैं इसके अंदर गुणा करूंगा तो यहाँ पे जाएगा 2x और प्लस के 2, ठीक है, और बटे नीचे कितना देखिए यहाँ से x और माइनस का 1। देखिए इसके एक बटे करके मैं पांच गुणा कर लेता हूँ, देखिए ये चीज ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस के 2, 2x प्लस के 2 और इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस का x। जब इसी करे तो ये तो वही आएगा और बटे नीचे से x, ठीक है, और ये तुम्हारा चला 3x बटे x प्लस के 1, ठीक है ये चीज। अब देखिए इसकी भी मैं फिर कैंची गुणा करूंगा पुनः इसके साथ में, बताइए कैंची गुणा कैसे होती है बताइए इसकी। तो देखिए मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर। इसकी गुणा देखिए इस मैं सब x की गुणा कर दूंगा तो आएगा 2x का घात 2 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो घात 2 है क्या। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस के 2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि इसमें मैंने इस पूरे में इस x से गुणा कर दी, फिर इस पूरे में पूरे से करूँगा तो सेम वही आ जाएगा प्लस के 2x और यहाँ से प्लस के 2 और माइनस के x, ठीक है, और बटे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम बराबर से गुणा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और बराबर देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि यहाँ से देखिए, ठीक है ना, और यहाँ से देखिए 2x प्लस के और ये प्लस के कितना जाएंगे 4x, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया ये 2 और 2 4 में से निकाल लेंगे एक निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3x बच जाएगा, कितना 3x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस के 2 प्लस के 2, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैं सब इधर को खींच लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 3x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x प्लस माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इस वाले समीकरण को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 4 आ रहा, तो इसके फैक्टर क्या हमें मिल जाएंगे बताइए, 4 ही कहना 4, यानी कि 2x स्क्वायर और माइनस के 4x और प्लस के x माइनस के 2 बराबर 0। फैक्टर क्यों समझ में आया नहीं, क्योंकि जब 4 की हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें 4 और घटाएंगे तो 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2x मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से x और यहाँ से माइनस के इतना 2, ठीक है, और यहाँ से प्लस के मैं 1 ले रहा हूँ तो x माइनस के 2 बराबर 0, और यहाँ से 2x प्लस के 1 और यहाँ से x माइनस के 2 बराबर 0, यहाँ से 1 के बराबर 0 दिखा देंगे तो यहाँ पर जाएगा इतना 2 1 तो आंसर ही जाएगा, और ये प्लस में जाएगा माइनस, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में आ रहा तो माइनस को हम छोड़ देंगे, फिर तो हमारा भिन्न बराबर क्या था, भिन्न बराबर एक्स बटे एक्स प्लस के 1 था, तो एक्स के स्थान पर 2 रख देंगे, और यहाँ पर 2 प्लस के 1 बराबर कितना जाएगा 3/2, यहाँ पर 2 बटे कितना जाएगा 2/3, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर यहाँ पर देखिए माइनस के 1/2 ऋणात्मक होने के कारण छोड़ने पर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सॉल्व, तो मैंने लिखूंगा लेट प्रथम संख्या बराबर कितना एक्स, दूसरी संख्या बराबर वाई, ठीक है। तो दोनों का देखिए फिर क्या कह रहा है, दोनों का अंतर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिया करके दोनों का अंतर कितना 2 है तब, ठीक है, ये दिया करके डाल दिया मैंने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कौन सा, दोनों का यानी कि x माइनस के y बराबर कितना 2 है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करा, यू करा है देखिए करा उनके वर्गों का योग देखिए मैं तो मैं दूंगा दिया करके फिर भी उनके वर्गों का योग कितना, देखिए उनके वर्गों का योग क्या, देखिए 34 है तब, ठीक है। तो देखिए उनके वर्ग किनका, इन वाले का वर्ग, देखिए इनके वर्गों का तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना 34, ठीक है। देखिए पहले उन्होंने अंतर दे रखा था, इनके अंतर इनका क्या योग जो दे रखा उसने उनके वर्गों का कौन सा, इनों का मैंने वर्ग कर लिया, जो प्रथम संख्या दूसरी संख्या थी इनके वर्गों का योग कितना 34 है, ठीक है ना। अब देखिए मैं समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, तो मैं इस वाली संख्या को मैं क्या करूंगा बताइए, मैं पहले लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए इनका वर्ग करूंगा तो यहाँ पर x माइनस के y की घात 2 हो जाएगी बराबर 2, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग मैंने इस तरीके से कर लिया, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2xy, इसका मैंने a प्लस b का फॉर्मूला खोल दिया मित्रों, ठीक है, और बराबर इसका भी कितना हो जाएगा इसका 4, ठीक है। तो x प्लस y बराबर हमें पता है कितना, देखिए 34 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 34, मैंने इसका मान क्या रख दिया, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर कितना 2 से क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना 34 माइनस के 2xy बराबर कितना बताइए 4,
ठीक है। अब देखिए ये माइनस का उधर जाकर प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 34, ये प्लस का इधर को ले आऊंगा मैं, तो यहाँ पर 4 बराबर कितना 2xy, ये माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 30 बराबर कितना 2xy, तो इससे कितनी बार कट जाएगा 15 बार, तो एक्स वाई बराबर कितना आएगा 15, एक्स वाई बराबर कितना आएगा 15, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई बराबर कितना आएगा 15, तो मैं एक के बराबर देखिए क्या जाएगा तुम्हारा, दो प्रकार से बताऊंगा इस सवाल को, मतलब दो प्रकार से बताऊंगा, ठीक है, देख लेना। तो देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स वाई बराबर कितना 15 था, ठीक है ना, और एक्स बराबर कितना जाएगा 15 बटे वाई, ठीक है, मैं लिख दूंगा एक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो एक क्या थी अपनी ये, तो एक्स के स्थान पर क्या रख लूंगा, मैं लिख दूंगा 15 बटे वाई, मैंने इसके स्थान पर रख दिया 15 बटे वाई, माइनस के वाई बराबर कितना 2, ठीक है, अब देखिए ये उधर माइनस में तो प्लस पहुंच जाएगा, यानी कि 15 बटे वाई, और ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2 बराबर प्लस के वाई, ठीक है, ये उधर को खींच के ये खींच लिया हमें बटे ये, ठीक है, हो जाएगा 15 माइनस के कितना 2y और बटे कितना 2, सॉरी 2 नहीं y आ जाएगा, यहाँ पर कितना y, ठीक है, और बराबर कितना देखिए y, यहाँ पर कितना y, ठीक है, अब देखिए यहाँ से बटे, तो इसकी गुणा मैं इसके साथ कर लूंगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 15 माइनस के 2y बराबर कितना वाई स्क्वायर, ठीक है, मैंने देखिए यहाँ से कैंची गुणा कर दिया बराबर से, देखिए तो मैं सब चीज को उधर को ले जाऊंगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस के ये माइनस का दर्जा का प्लस के 2y, और ये प्लस का है तो ये माइनस के 15 बराबर कितना 0, ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर हम कर लेते हैं, देखिए 5 में से देखिए वाई स्क्वायर और इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे बताइए, प्लस के 5y और माइनस के 3y, क्योंकि 5 के 15 गुणा करके 15 आना चाहिए था, घटा कर दो आना चाहिए था, यहाँ से मैंने वाई बाहर ले लिया, तो वाई प्लस के कितना जाएगा बताइए 5, और यहाँ से माइनस के मैं ले रहा हूँ 3 बाहर, तो यहाँ पर वाई प्लस के 5, ठीक है, बराबर 0, तो यहाँ से देखिए यहाँ की चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए तो वाई प्लस के 5 और यहाँ से वाई माइनस के 3 बराबर 0, यहाँ से y बराबर कितना जाएगा 3.5, वो भी क्या है कि माइनस के, ठीक है, माइनस को छोड़ देंगे हम, क्या माइनस को छोड़ देंगे, तो देखिए फर्स्ट मेथड तो हम बता चुके हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज अब एक आंसर ये आ चुका है, और देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, देखिए किस तरीके से करते हैं, देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था, क्वेश्चन नंबर करा था हमने दूसरा क्वेश्चन करा था सेम चौथा उसी की तरह, ठीक है, और दो संख्याओं का अंतर इतना है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया माना प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या बराबर कितना एक्स, ठीक है, तो दूसरी संख्या तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना योग योग, ठीक है, ये तो पढ़ा था, अब देखिए यहाँ पर प्रथम संख्या वो करा, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है इतना, तो यहाँ पर घटवा रहा है, तो देखिए यहाँ पर योग की जगह क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, योग की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस ही कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या कितनी अपनी एक्स, और माइनस के सेकंड संख्या नहीं दूसरी संख्या, योग की जगह अंतर डाल दूंगा, योग की जगह क्या डाल दूंगा मैं अंतर, ये वाला था, तो इसकी जगह दो, अब देखिए ये चीज को इधर को ले जाऊंगा या इसको उधर को ले जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस के 2 बराबर कितना दूसरी संख्या, समझ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी संख्या को मैं उधर को ले गया, और यहाँ पर ये चीज प्लस में थी तो माइनस में आएगी, तो यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी आएगी बताइए, दूसरी संख्या आ जाएगी तुम्हारी एक्स माइनस के 2, दूसरी संख्या ये हो गई, तो ये हमसे क्या करा, देखिए हमसे क्या करा, ये कह रहा, देखिए खूब ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, करा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, तो इन संख्याओं का जो ये प्रथम संख्या थी ये हो गई अपनी, ये वाली दूसरी संख्या ये होगी, मैं देता हूँ वर्गों का योग, योग वर्गों का योग, योग देखिए वर्गों का योग ये दिया है, ठीक है, दिया है, उनके वर्गों का योग कितना 34 है, देखिए इनका वर्ग कर लूंगा मैं, देखिए इसका वर्ग कर लिया, और प्लस इसका भी मैं वर्ग कर दूंगा, यानी कि एक्स माइनस के 2 का होल वर्ग बराबर 34, ठीक है, जोड़ा क्यों, क्योंकि हमसे वर्गों का योग की बात कर रहा था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका प्लस 12 होल स्क्वायर वाला सूत्र खुल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4 एक्स बराबर 34, इसका मैंने ए माइनस के बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, मतलब यहाँ पर कितना जाएगा 2x^2, और यहाँ पर देखिए माइनस के 4x, और सबको इधर को खींच लूंगा, तो यहाँ पर प्लस के 34 और माइनस यहाँ पर माइनस के कितना माइनस के 4 सॉरी यहाँ पर प्लस के 4 और इधर खींच लूंगा, तो माइनस के 34 बराबर 0, यहाँ पर देखिए 2x^2 माइनस के 4x, और देखिए यहाँ पर माइनस कितना 34 बराबर 0, यहाँ पर माइनस के 34 बराबर 0, यहाँ पर 4x कहाँ से आया समझ में आया नहीं आया, मतलब यहाँ से 4 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर 2ab, क्योंकि 2 से अर्गुणा ए के स्थान पर x, अर्गुणा बी के स्थान पर कितना, देखिए बी के स्थान पर अपना 2 है, तो 2 दुनिया 4x, यहाँ पर 4x जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से देखिए मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से 2 बाहर ले लिया मैंने यहाँ से, तो मैंने जब यहाँ से मैं 2 बाहर ले लूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और यहाँ से माइनस के 17 बराबर कितना 0, ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स माइनस के 2x माइनस के 17 बराबर 0, ठीक है, और आगे चलते देखिए, तो मित्रों यहाँ गलती करती है, क्योंकि देखिए 34 में से जब आप 4 निकालोगे तो यहाँ पर 30 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 30, तो यहाँ पर कितना जाएगा 15 है आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 15, तो देखिए पहली वाली इक्वेशन आ चुकी है, यहाँ से आगे को आप स्वयं कर लेना, देखिए
देखिए यहाँ से पहली वाली क्वेश्चन आती है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर दो एक्स प्लस के 15, ठीक है, यहाँ से सेम वही आंसर जाएगा जो पहले आया था, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर में, ठीक है। तो दोनों मेथड कैसे लगे मित्रों हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है मित्रों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया लेट, अब देखिए एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूँ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना बताइए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक, फिर क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले दूंगा माना छोटी संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लेट लिख दिया, यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, मिल गया छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर कितना एक्स, ठीक है, ठीक है ना, फिर ये क्या करा देखिए, फिर कह रहा है छोटी संख्या बड़ी संख्या की 8 गुनी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया दे रखा है, ये चीज क्या दे रखी है, हमें ये दे रखी है, चीज इसने दे रखी है, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो छोटी संख्या हमने क्या मानी है, ये मानी है, तो छोटी संख्या हमने क्या मानी, ये मानी है, ठीक है, एक्स माना है, ठीक है ना, तो देखिए छोटी संख्या मैंने क्या मानी है अपनी, छोटी संख्या ये मानी है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या अपनी ये है, तो इसका वर्ग, तो मैंने वर्ग कर दिया, करा बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या मैंने क्या लिखी यहाँ पे, बड़ी संख्या वैसे का वैसे, क्योंकि हमने बड़ी संख्या अभी कुछ भी नहीं मानी है, ठीक है, तो मैंने लिखा बड़ी संख्या और गुणा 8, क्यों, देखिए छोटी संख्या का वर्ग, तो मैंने छोटी संख्या एक्स मान रखा ऊपर, तो छोटी संख्या मैंने लिख दी, मैंने लिखा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें कुछ नहीं पता, तो मैंने वैसे को वैसे छाप दिया, फिर कह रहा 8 गुना, तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, अब देखिए ये 8 गुणा में तो क्या काम पहुंचेगा, भाग में, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे कितना 8 बराबर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी आएगी अपनी एक्स स्क्वायर बटे 8, ठीक है, फिर कह रहा ये कह रहा देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, यहाँ पर मैं ब्याह करके डाल देता हूँ, देखिए तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, देखिए यहाँ पर कितामत मान दे रहा है 180 है तब, ठीक है, ये तो मैं किताब में दे रखा, ये चीज भी क्या करके चीज समझा रहा हूँ, तो मैं आपको दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180 है, तो दोनों संख्या कौन कौन सी होगी, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो मैं देख लीजिए एक बार, छोटी संख्या यानी कि दोनों संख्या बात कर रहा, ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, कोई सी पहले छोटी ले कोई बड़ी ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अंतर की बात कर रहा था, मैं बड़ी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, अंतर कितना 180 है, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों मैंने पहली संख्या क्या मानी है ये मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, दोनों का अंतर कितना इतना है, ठीक है, तो देखिए तुम्हें तो छोटी संख्या मैंने कितनी मानी थी बताइए, छोटी संख्या क्या आपने एक्स मानी थी, अब यहाँ पर हम देखिए एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ऐसे बड़ी संख्या क्या मानी है मैंने एक्स स्क्वायर बटे कितना 8 मानी, इसकी घात की दो इसकी बात है, ठीक है, बराबर 180, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए इसका मैं हलवा खोलूँगा, यहाँ पर एक्स घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8 से 64, ठीक है, बराबर 180, एक बटे करके कैंची वहाँ कर लूँगा, देखिए 64 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स घात 4 बटे कितना 64 बराबर कितना, देखिए 180, एक बटे करके कैंची वहाँ कर लूँगा, ठीक है, यहाँ देखिए 64 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स घात 4 और बराबर कितना 64 गुणा 180, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए छोटी संख्या हमने पहली मानी तो मानी थी, बड़ी संख्या बाद मानी थी, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, यहाँ पर अगर कोई माइनस चीज आएगी तो हम जिस संख्या यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर संख्या उधर बैठा देंगे, ठीक है, इसमें और आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ से आरोप क्या होता है, देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये 64 था, 64 एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक घाट 2 थी, यहाँ पर 4 थी, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की जब मैं गुणा करूँगा तो 11,500 कुछ बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बैठेगा तुम्हारा, इन दोनों की गुणा क्या बैठेगा, जैसे तुम यहाँ पर चलो पहले इसे नहीं कहता हूँ, मैं 64 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के एक्स के हाथ 4, यहाँ पर माइनस के एक्स के हाथ 4 और बराबर कितना 11,520 दोनों की मल्टीप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, देखिए इस चीज़ को मैं सबको उधर पर ले जाऊँगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स के हाथ 4 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का, और ये माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, यानी कि 64 एक्स के हाथ कितनी है 2, और यहाँ पर कितना ये प्लस का, तो तुम्हारा देखिए 11,520 का बस ये, ठीक है, बराबर हो जाएगा जी तुम्हारा, ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ बाहर आ रहा है तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करना है, इसके फैक्टर हम बताइए क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, देखिए चाहे तो इसे गुणनखंड बिंदु से कर लीजिए, चाहे फैक्टर द्वारा कर लीजिए, ठीक है, तो देखिए मैं इससे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो ए बराबर में आएगा ए
तो बी बराबर माइनस के 64 और सी बराबर बराबर मान 11520। ठीक है, तो फॉर्मूले क्या होता है अपना, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4 ए बटे कितना 2 ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस के बी यहाँ पर 64 हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस माइनस के रूट कितना देखिए बी बी की जगह 64 हो जाएगा अपने 64 और यहाँ पर देखिए हर बार माइनस के 4 गुणा एक ए गुणा सी का मान कितना 11520। ठीक है, और बटे कितना 2 ए 2 गुणा एक 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 ठीक है ना 64 प्लस माइनस के। ठीक है, इसको बल कर लेंगे 4 से 16 का 6 और 4 से 24 48 अरे 49 9 और 6 से 36 36 और 5 36 और 5 41 ये इसकी गुणा बैठ जाएगी। ठीक है, 12 का तो मतलब यहाँ पर 6 से 36 36 8 से 40 बैठ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस अभी मान के हम आपस में गुणा करेंगे तो देखिए कितना बैठेगा हमारा बैठ जाएगा देखिए 4 × 8 4 × 8 5 × 10 = 0 और 11 से 44 44 अरे 44 + 2 46। ठीक है, अरे माइनस के तुम्हारा ये माइनस में है ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपने ये प्लस नहीं रहे माइनस में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ से फिर हमने जब माइनस है जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए यहाँ पर घटा देता हूँ देखिए 4 6 0 8 0। ठीक है, इसमें से मैं घटा देता हूँ तुम्हारा 40 40 तो यह हो गया तुम्हारा यहाँ से घटाऊँ ठीक है 40 46 96। ठीक है, तो हमें तुम लोग 4 बच गया तुम लोग दे दिया था 4 इतने से 9 बजे में तुम लोग चाहिए 17 में से 9 बजे तक जाने तुम्हारा 8। ठीक है, इसमें हमें 9 बच गया यहाँ तुम लोग जाए हमें ठीक है 1984 तो 1984 किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, 1984 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग और माइनस के यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग इस तरीके से लिखा हुआ था। ठीक है, हमें बड़ी संख्या को हम पहले ले लेंगे क्या ले लेंगे हम बड़ी संख्या को हम क्या ले लेंगे पहले ले लेंगे। ठीक है, पहले चेंज कर देंगे जो उसमें लिखा हुआ तो सब चीज़ हम आगे पीछे कर लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा माइनस हल करके आएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा ये तुम्हारा घाट 4 के हमें प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए घाट 4 में ना तो ये 4 वाला जो मानने वाला जो तुम्हारा है तो यहाँ पर इसकी ऐसे घाट 4 जो है तो इसमें इसकी तुलना हम किसके साथ करते बताइए कि 4 में ही करेंगे इसमें 4 में ही करेंगे इसकी तुलना करेंगे हम इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मान ये हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा माइनस माइनस में आ जाएगा सर ये क्या में आएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस क्या जाएंगे प्लस हो जाएंगे जब इसे हम जोड़ेंगे दोनों को तो जब जोड़ेंगे देखिए 40 और यहाँ पर कितना तुम्हारा 40 तुम्हारी स्थिति देखिए यहाँ पर छोटी संख्या तो यहाँ पर एक्स यहाँ कितनी 2/8 ये वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना, एक्स ये वाली ठीक है बराबर कितना 180 यहाँ पर जब इसे हम हल करेंगे तो 4 ये प्लस में आएगा इसके बराबर। ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस के 8x 8 से 64 हो जाएगा कितना 8 से 64 x² और ये इधर को आ जाएगा तो ये इधर ठीक है ना हो जाएगा तुम्हारा 180 और यहाँ पर तुम्हारा गुणा और था गुणा 64 यहाँ पर ये बराबर 0 तो इक्वेशन यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कौन सी वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सब माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पर जोड़ लेंगे हम तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है, जोड़ तो बता देता हूँ देखिए बात देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ा तो 50 176 आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 176 तो यहाँ पर देखिए अगर 2 है यहाँ पर 64 प्लस माइनस के और यहाँ हो जाएगा 50 176। ठीक है, और यहाँ पर 2 ठीक है ना 50 176 ये किसका होता है 224 का वर्ग होता है। ठीक है, मतलब 64 प्लस माइनस के 224 का वर्ग बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लेंगे क्या ले लेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस का मैं चिन्ह ले लूँगा यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लेने पर देखिए यहाँ पर 64 प्लस के 224 बटे कितना 2 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 और बटे कितना हो जाएगा 2 इनसे काटूंगा तो 1 4 40 44 जाएंगे एक्स बराबर 1 पर। ठीक है ना, हमें माइनस का चिन्ह लेने पर ठीक है माइनस का चिन्ह लेने पर एक्स बराबर चिन्ह लेते हैं माइनस के 2 2 4 और बटे कितना 2 यहाँ मैं घटा लूँगा यहाँ पर मैं 0 और 12 में से 6 बटे में 6 बच जाएंगे यहाँ पर 1 1 7 जाएगा बटे में से 2 जब मैं इसे काटूंगा तो 80 का कर जाएगा एक्स बराबर काम से लिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक मित्रों हमने तो निकाला था ये जो हमने इक्वेशन की ए एक्स घाट 4 प्लस के एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी बराबर 0 ये थी
तो हमने इस एक्स की घात चार को हमने एक्स के दो के रूप में लिखा था, ठीक है। इक्वेशन हम इससे तुलना करते थे एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी वाई जीरो, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे दोगुना आया, ठीक है, ठीक है। तो हम ये किसका मान आया तुम्हारा एक्स स्क्वायर का मान आया, किसका एक्स स्क्वायर का मान आया, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान आया, चलिए किसका वर्ग देखिए एक्स वर्ग, हम लाइन में लिख देता हूँ कि किसका वर्ग है एक्स स्क्वायर, ये किसका वर्ग है बारह का वर्ग है, इसके लिए वर्ग जो लग गया था एक्स बराबर कितना आया सही हमें बारह प्लस माइनस के बारह, ठीक है। तो एक्स का मान क्या है प्लस माइनस के बारह, ठीक है। अब स्क्वायर इसलिए है तो ये भी किसका स्क्वायर का, यहाँ पर रोड भी बना जाएगा अस्सी, यहाँ भी स्क्वायर में, तो ये रोड का अस्सी दो से हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसका आंसर क्या जाएंगे, तो इसके यही आंसर हो जाएंगे। देखिए एक्स बराबर एक बार प्लस का एक्स बराबर बारह और एक्स बराबर एक बार माइनस के बारह, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला कौन सी संख्या आ गई है, ये कौन सी संख्या मानी थी बताइए, हमने पहले कौन सी मानी थी ये हमने बताइए सोहन, हाँ ठीक ठीक छोटी मानी थी, तो यहाँ पर ठीक है। तो ये छोटी संख्या आ गई, अब देखिए बड़ी संख्या आपने क्या थी, तो बड़ी संख्या बराबर अपना खाता है, बड़ी संख्या बराबर क्या था यहाँ पर था तुम्हारा एक्स स्क्वायर बटे आठ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बड़ी ये यहाँ पर बता लेंगे बारह लेंगे, ठीक था बारह की घात, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ कहाँ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बारह एक सौ चौवालीस, तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को मान रख दूँगा तो एक सौ चौवालीस और बटे नीचे से कितना आठ है, जब मैं सर देखिए आठ से काटूँ यहाँ इसे आठ से काट दीजिए, तो देखिए चार से काट लेंगे पहले या दो से काट लीजिए सबसे पहले, तो दो सौ से चार दो दिन चार लिया जाएगा दो सौ चार बार कर, ठीक है। तो बहत्तर बटे कितना आएगा चार, अब मैं देखिए चार से काटूँ चार करना चार और यहाँ पर कितना बच्चे होते हैं चार चार अच्छा बत्तीस कितना आएगा अठारह आ जाएगा, अच्छा रात में आएगा अठारह, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी ले जाएगी अच्छा रात में बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या अपनी जाएगी बड़ी जा जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मुझे तुम्हारा आठवां क्वेश्चन नंबर करो, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठा, पाँचवा का हम कर चुके हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर एक प्राकृत संख्या में जब बारह की वृद्धि की जाती है, एक कोई प्राकृत संख्या है उसमें जब बारह की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसमें माना वह संख्या है, ठीक है। लेट संख्या बराबर एक्स, ठीक है, एक्स हो गई। फिर कह रहा है संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है, तो इसमें 12 की वृद्धि, ठीक है, मैंने इसमें दिया है जब 12 की वृद्धि जाती है तब, ठीक है। मैंने ये क्या लिख दिया, जब 12 की वृद्धि की जाती है तब, तब संख्या, तब तब संख्या बराबर एक्स प्लस के 12 हो गई, ठीक है। एक्स प्लस के 12 जब हमने 12 की वृद्धि कर दी तो एक्स प्लस के 12 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करा, तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, मैं देखिए लिख देता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया गया, ठीक है। तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह कौन सी वह संख्या, ये वाली जी संख्या, ठीक है। तो ये संख्या अपने व्युत्क्रम के, तो अपने व्युत्क्रम कौन सी वाली, इस वाली संख्या के व्युत्क्रम के, ठीक है। तो ये जाएगी तुम्हारी ये संख्या समाना, तो यहाँ पर जाएगी नीचे, यानी कि एक्स प्लस के एक बटे के, ठीक है, 160 गुने के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर 160 गुने में 160 गुने, समझ में नहीं आया, नहीं आया, देखिए यहाँ पे ये कोई संख्या है, इसका जो व्युत्क्रम करेंगे हम, इसके व्युत्क्रम अपने व्युत्क्रम, देखिए ये कोई संख्या है तो इसकी, तो वह अपनी संख्या को 160 गुने के बराबर, तो वह अपने व्युत्क्रम, तो इस वाली संख्या का व्युत्क्रम कौन सा हो जाएगा, इस वाली संख्या का जो व्युत्क्रम हो जाएगा ये वाला हो जाएगा एक बटे एक्स प्लस के 12, ठीक है। 160 गुने के बराबर, तो यहाँ पर 160 गुने और बराबर तुम्हारा यहाँ पर लिख देंगे हम तुम्हारा के बराबर, हम लिख देंगे बराबर ये वाला, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वह अपने व्युत्क्रम के, तो इस वाली संख्या के व्युत्क्रम के, ये वाली जो संख्या है इसका व्युत्क्रम ये हो गया 160 गुने, तो 160 में गुणा कर दी कि बराबर की बात कर, बराबर लगा दी मैंने बराबर, ठीक है, बराबर हो जाती है। हम देखिए 160, ठीक है, यहाँ पर एक बार करके मैं कैंची गुणा कर दूँगा, तो हो जाएगा तुम्हारा बताइए 160 बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के 12 एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ से कैंची गुणा कर दी है, ठीक है। अब हम देखिए सब चीज़ को उधर को ले जाऊंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 12 एक्स और माइनस के 160 बराबर जीरो, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे बताइए क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताइए तीन को जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसका जो फैक्टर सोच के बताइए क्या हो जाएगा, जब फैक्टर को छोड़ो
ना समझ श्रीधराचार्य पूरा श्री कोई सी भी कर लीजिए आंसर तो भी वही आएगा ठीक है। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे देखिए 160 है तुम्हारा ठीक है, 8 × 16 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बताइए, कोई सी भी कर लीजिए श्रीधराचार्य से कर लीजिए कोई सी कर लीजिए ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 20x और माइनस के 8x माइनस 160 ठीक है। मैंने 20 के इस्तेमाल करूँगा तो 160 मिल जाएगा और घटाऊंगा जब 12 मिल जाएगा ठीक है। तो ऐसे मैंने x भाग ले लिया तो x प्लस के 20 हो जाएगा तुम्हारा और माइनस किया मैंने 8 ले लिया तो x प्लस के इतना 20 बराबर में 0 ठीक है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर x माइनस के 8 यहाँ पर x प्लस के 20 बराबर में 0 तो यहाँ पर x यहाँ पर 1 के बराबर 0 ले लूँगा मैं, एक्स माइनस के 8 बराबर 0 तो एक्स बराबर में जाएगा 8 इंटू 0 ये आ चुकी है तुम्हारी ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर 1 के बराबर 0 लूँगा तो यहाँ पर एक्स हम देखिए एक्स प्लस के 20 बराबर 0 यहाँ पर एक्स बराबर माइनस के 20 हो जाएगा तुम्हारा ठीक है ना। एक क्या जाएगा एक्स बराबर माइनस के 20 एक आंसर तुम्हारा ये आ चुका है ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। देखिए जो सभी आंसर हो वही लिख देंगे ठीक है। फिर माइनस बार तो हम लिख लेंगे तो आंसर को करेक्ट हम कौन सा जाएगा ये आ जाएगा ठीक है। क्योंकि ऋणात्मक में देंगे जो ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर ठीक है। तो एक्स बराबर मिल जाएगा ये हो जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट होगा देखिए क्या हम तो 17 कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए ये कह रहा है मैसूर और बैंगलोर के बीच की दूरी, मैसूर एक शहर हो गया और बैंगलोर भी एक शहर हो गया ठीक है, जो भी होगा अब हमको नहीं है ठीक है। इनके बीच की दूरी हमें क्या तरह रखेंगे 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से एक घंटा समय कम लेती है ठीक है। तो कह रहा है मध्य स्टेशनों के पर ठहरने का ध्यान न दिया जाए ठीक है। कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए ठीक है। तो इसको खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से देखिए ए रेलगाड़ी की औसत चाल ठीक है, मैंने लिख दिया लेट रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर एक्स किमी प्रति घंटा एक्स लिखने इस तरीके से लिखेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है, किलो क्यू एम हो जाएगा तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि दूरी जो होती है दूरी यहाँ पर औसत चाल जो होती है चाल तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटा होती है ठीक है, किलोमीटर भी होगा प्रति घंटा भी होगा ठीक है। और जो दूरी होती है केवल किमी में होती है किलोमीटर होती है ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की दूरी कितनी मान ली हमने 1150 किमी मान ली, किमी मतलब किलोमीटर, क्योंकि जो दूरी होती है हमेशा किलोमीटर में नापी जाती है ठीक है, लंबी दूरी किलोमीटर में ही होती है ठीक है। और जो इसकी चाल होती है जो हम चलते हैं उसे किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति सेकंड ठीक है, दूरी के लिए किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है चाल को कैसे में नापते हैं और ये तुम्हारी दूरी को किस चीज में नापते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो फिर देखिए क्या करा वो, तो यहाँ पर देखिए दोनों की चाल हम जोड़ लेंगे, रेलगाड़ी की चाल और तुम्हारी कौन सी जो चाल उसमें हमने ये भी मान रखी है और एक दूसरी वाली जो दे रखी है उस वाली चाल को हम जोड़ लेंगे। देखिए क्या रखा है इसमें, करा यदि रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तब ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ देखिए देख लिया होगा आपने ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा तो औसत चाल, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा औसत चाल बराबर सुना यहाँ पर देखिए क्या रखा तुम्हारा, बताइए कितना रखा उसने 11, तो तुम्हारा हो जाएगा देखिए एक चाल ये है और एक चाल ये हो जाएगी तुम्हारी एक्स प्लस के कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। तो मैंने दोनों चालों को क्या कर लिया, मैंने जोड़ लिया ठीक है, क्योंकि ये हमसे जो प्रश्न कह रहा था अगर यदि रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो अधिक का मतलब जुड़ पा रहा था, इसी बात से मैंने एक्स प्लस के दोनों को मैंने जोड़ लिया ठीक है। जोड़ने के बाद में मैंने क्या करा फिर यहाँ से कपड़ा लगेगा बैठ जा निकल जा नहीं तो बैठ जा नहीं तो हाँ ठीक हाँ यार नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ से देखिए फिर क्या करना इसके बाद में देखना हो गया, अब देखिए इनमें समय क्या दे रखा है, ठीक चाल दोनों चाल ये वाली चाल और ये वाली चाल को मैंने दोनों जोड़ लिया है ठीक है, क्योंकि पहली चाल तो हमने ये मान लिया था अब वही चाल उसमें तुम्हारी कम दे रखी थी मैंने एक्स प्लस के एक्स लिया ठीक है। तो देखिए हमें क्या है एक सूत्र पढ़ रखा मैं दूरी बटे समय
दूरी बटे चाल, चाल देखिए दूरी हमें ये एक चीज और नहीं कहता हूँ, देखिए दूरी उसने दे और रखी है हमें क्या दूरी, दूरी देखिए बताइए दूरी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, देखिए दिया क्या दे रखा बताइए, दूरी उसने दे रखी है 132 किलोमीटर, 132 दे रखी है, हाँ 132 किमी यहाँ पर देख रहे होंगे आप, केवल इन्हें किमी लिख रखा है या वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ किमी, ठीक है तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं किमी, ठीक है क्योंकि दूरी हमेशा किलोमीटर में ही नाप जाती है, तो यहाँ पर ठीक है मैं लिखूँगा दूरी का सूत्र लगा करके, देखिए क्या सूत्र अपना समय बराबर, समय कुछ नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखिए समय क्या लगा देंगे मैं दूरी बटे यहाँ पर लिखूँगा चार, ठीक है मैंने लगा दिया समय बराबर दूरी बटे चार, तो देखिए दूरी कितनी है अपनी, देखिए मैं दूरी रख देता हूँ देखिए 132, ठीक है और चाल तुम्हारी कितनी है बताइए, चाल क्या है, हाँ ठीक दोनों ही नहीं जाएंगे, ठीक है क्यों, क्योंकि हमें देखिए पहली जो अपनी चाल है, पहली चाल के लिए हम पहला वाला फॉर्मूला यानी कि ये वाली जो चीज़ अपनी हमें कहाँ पर लिखना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है तो मैं देखिए एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी बिटान करके लिख दूँगा, देखिए यहाँ पर क्या अपना चाल हमें दे रखे हैं, चाल में थोड़ी दूरी दे रखी है, दूरी बराबर अपना 132 किमी, ठीक है यहाँ पर देखिए दूरी का उसमें चाल का सूत्र लगा दूँगा, समय का समय बराबर कितना दूरी बटे चाल, ठीक है तो यहाँ पर दूरी कितनी तय कर देखिए दूरी 132 और यहाँ पर चाल कितनी अपनी एक्स, ठीक है एक तो ये अपने ये हो जाएगा समय, ये कि समय को हम किसी में नापते हैं घंटे में नापते हैं, ठीक है हॉर्स मिनट घंटा होता है, ठीक है मैंने लिख दिया, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या जो चीज़ मैंने दे रखी थी, ठीक है यहाँ पर चाल क्या रखिए, चाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखिए, तो आपने देख लिया होगा ठीक है, जो मैंने दिया करके डाल दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की औसत, औसत चाल बराबर, औसत चाल कितनी हो जाएगी बताइए एक्स प्लस के कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है क्योंकि उसकी चाल में वृद्धि की गई, कितने की 11 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की गई, तो एक्स प्लस के दोनों चाल को जोड़ लिया और फिर तुमने दूरी फिर भी दे रखी, हमने दूरी कितनी रखी 132 किमी, ठीक है इंग्लिश में भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं किमी, केवल किमी दे रखे ठीक है, फिर किसी को नहीं देखा, तो मैं लोग यहाँ पर देखिए फिर दूरी फिर लगाएंगे समय बराबर, या को हम T1 भी मान सकते हैं, क्या इस चीज़ को हम यहाँ पर T1 भी शो कर सकते हैं, पर समय समय T1 बराबर यहाँ पर मैं लिखूँगा समय T2 बराबर लिखना दूरी बटे चार, देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है 132 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये कितना चार है, चार कितनी हो जाएगी आपका एक्स प्लस के 11 इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है तो देखिए कुल समय क्या रखा उसमें, देखिए ये कह रहा है एक एक्सप्रेस सवारी गाड़ी का 1 घंटा कम समय लेती है, कम मतलब घट जाएगा मित्रों, ठीक है क्योंकि समय आपके कम ले रही है, ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिया, देखिए क्या रखा उसमें देख लीजिए ध्यानपूर्वक, तो देखिए देख लिया होगा ठीक है, तो 1 घंटा समय कम लेती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा बताइए 132 बटे कितना तुम्हारा बताइए एक्स माइनस के लिए समझ में आया, क्योंकि कम की बात कर रहा है इस समय, ठीक है हो जाएगा 132 बटे कितना एक्स प्लस के 11 और बराबर कितना 1 घंटे, ठीक है अब देखिए यहाँ से कैंची होना कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए 132 एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें करेंगे तो 132 एक्स हो गया, अब माइनस इसी के साथ करेंगे ठीक है अभी नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया और यहाँ पर 132 की गुणा जब हम 11 से करेंगे गुणा 11, ठीक है अब यहाँ पर माइनस के कितना 132 एक्स, ठीक है अब बटे नीचे से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 11 एक्स, यानी कि अब मैंने गुणा कर ली बराबर कितना 1/1 जाएगा, अब अभी देखिए कैंची गुणा कर देता हूँ मैं एक बार, देखिए कैंची गुणा किस तरह करते हैं बराबर से, यहाँ पे देखिए 132 एक्स और यहाँ पर प्लस गुणा कर लेता हूँ 11 × 22 = 2 11 × 33 33 2 × 35 = 5 11 × 3 हो जाएगा तुम्हारा 14 11 × 3 = 14 ठीक है ये गुणा और माइनस का 132 एक्स, देखिए यहाँ से ये तो कट जाता ठीक है, अब यहाँ से किस मैं उधर को गुणा करूँगा तो बराबर कितना एक्स स्क्वायर और प्लस के 11 एक्स, ठीक है तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस के प्लस कर गया
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस के 11x और ये प्लस का है तो उधर जाकर सब क्या जाएगा माइनस के 1452 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके इतना चाहिए इतना और जोड़ घट के इतना मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, देखिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सारे करते हैं एक्स स्क्वायर इसके जी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से कितना करने पड़ते हैं, ए बराबर में 1, बी बराबर में 11 और सी बराबर हो जाएगा माइनस के 1452। ठीक है ना, तो एक्स बराबर माइनस के 20 प्लस माइनस के 2 के बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी बराबर कितना 2 ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस के कितना 11 प्लस माइनस रूट के मतलब कितना हो गया, हम देखिए मान रख लेता हूँ, देखिए बी की जगह कितना 11 हो जाएगा, तुम्हारा 11 के घर जो हो जाएगा माइनस के 4 गुणा ए की जगह 11 गुणा बी के स्थान पर जाएगा माइनस के 1452 ठीक है बटे 2 गुणा ए ठीक है बराबर माइनस के 11 प्लस माइनस के ठीक है रूट के 131 हो जाएगा इसका वर्ग माइनस के जब इन दोनों को गुणा करूँगा तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस में प्लस हो गया और 4 दुनिया हो जाएगा 8 4 दुनिया 20 और 14 चौका 56 तन 56 और 2 दुनिया हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी गुणा हो जाएगी और बटे कितना 2 का ना 2 ठीक है, और देखिए क्या करते हैं इसमें जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, देखिए माइनस की 11 प्लस माइनस देखिए मैंने जोड़ा है 29 बटे कितना 2। ठीक है, इसके आगे और क्या करते हैं, देखिए वर्ग देखिए ये किसका वर्ग हो जाएगा, देखिए ये तुम्हारा 77 का वर्ग होना चाहिए, किसका 77 का होना चाहिए, यहाँ पर 11 का भाई ये 77 का हो जाएगा, लेकिन मैंने गुणा करी कितना मिल गया 29 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए 11 प्लस माइनस को यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हारा ये 77। ठीक है, और बटे नीचे से पूरे को बटे मिल जाएगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए इसके आगे फसल है, देखिए ये एक्स बराबर माइनस के 11 ठीक है प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है प्लस का चिन्ह लेने पर यहाँ पर प्लस ले लेंगे ना 77 और बटे कितना 2 ठीक है ना, यहाँ पर कितना लिखेंगे 66 बटे 2 ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 33 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 33 आएगा और माइनस का चिन्ह लेने पर, ठीक है तो एक्स बराबर माइनस के 11 और माइनस के 77 ठीक है, और बटे कितना 2 यहाँ पर आएगा 88 और बटे नीचे 2 यहाँ पर आएगा 44 ठीक है, एक्स बराबर माइनस की 44 ये काम करिए आ चुका है। ठीक है, तो हम ऋणात्मक तो हम लेंगे नहीं, ठीक है ऋणात्मक क्या नहीं लेंगे, ठीक है क्योंकि हम ऋणात्मक दूरी दे देते हैं, हम दूरी सभी दे देते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते, तो यहाँ पर मैं लूँगा माइनस 44 को नहीं लेने पर नहीं लेने का, ठीक है एक्स बराबर में जाएगा 33 ठीक है, तो आते हैं 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 8वां क्वेश्चन क्या देखिए एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या करा 8वां ये कर देखिए मैं पढ़ लेता हूँ, रेलगाड़ी एक समान चाल, ठीक है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्या 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद करा यदि यह चाल 5 किलोमीटर यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा को एक घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, सैम पहले की तरह है मित्रों कर लेना इस तरह, ठीक है ना, क्योंकि सैम है मित्रों ठीक है ना, इसको इसकी तरह कर लेना, ठीक है एक की जगह एक रख देंगे और प्लस 5 की जगह तुम्हें 11 हो जाएगा, 11 की जगह पे आ जाएगा मित्रों 5 हो जाएगा, माइनस में लगा देंगे और 132 के स्थान पर क्या बैठा देंगे 360 ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है 360 हो जाएगा 132 के स्थान पर, ठीक है और तुम्हारा एक्स के स्थान पर एक्स रहेगा और इसमें जो तुम्हारी क्या रखी है इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो इसमें जो हो जाएगा तुम्हारा कितना एक्स प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है उसमें 11 था एक्स प्लस के 11 था इसमें एक्स प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो समीकरण तुम्हारी बन के आ जाएगी, समीकरण कौन सी बन के आ जाएगी बताइए, ये समीकरण बन के तो मैं बता देता हूँ, समीकरण क्या आ जाएगी बन के कर सकते हो मित्रों या नहीं, ठीक है मैं कमेंट में लिख देना, ठीक है क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ में चेंज कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी सेम कर तुम्हें क्या कर रहे हो, ठीक है 132 के स्थान पर तुम्हें 360 बैठाना है, ठीक है 360 ठीक, और तुम्हें 11 के स्थान पर तुम्हें 5 बैठाना है, ठीक है बाकी सब कुछ वही रहने देना जो पहले में था, ठीक है जैसे कि कितनी जरूरत जाएगी तुम्हारा 360 इतना 360 और बटे एक्स माइनस के 360 तो तुम्हारा जाएगा एक्स प्लस के 5 बराबर कितना 1, किसी क्वेश्चन को तुम हल करोगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना बताइए, हलो दिनेश, हाँ ठीक बहुत बढ़िया, हाँ
जाएगा प्लस के 5x और माइनस के कितना जो हम गुणा करेंगे बताइए कितना जाएगा। हाँ ठीक है, हमने जाएगा 1800 ठीक है, ठीक है ना। यहाँ से आएगा बताइए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सीधे 1040 से कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए तो सिर्फ 1040 का फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए माइनस के 5 प्लस माइनस के रूट के हो जाएगा 25 और ये जाएगा तुम्हारा माइनस के 18 का तुम्हारा हो जाएगा 72 ये जाएगा ठीक है ना। अगर सर ये माइनस के यहाँ पर प्लस आ जाएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की तुलना कर रहे हैं, तुलना आप खुद कर लेना ठीक है। यहाँ से माइनस के 5 प्लस माइनस तो यहाँ पर तुम्हारा नीचे 2 आ जाएगा ठीक है। अगर सर तुम हल करोगे तो तुम्हारा जाएगा कितना जाएगा बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ जैसे बोलोगे तो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस के जाएगा तुम्हारा 72 25 कितना 72 25 बटे 2 तुम्हें किसका है तुम्हारा 85 का वर्ग, किसका 85 का, तो जाएगा तुम्हारा एक्स बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस के 85 बटे कितना 2 ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह देंगे तो खुद कर लेना ठीक है, माइनस वाले को छोड़ देंगे बाकी प्लस वाले को ले लेना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, जिनको यदि आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो मैं कमेंट में लिख सकते हैं ठीक है, या हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट हमारा नंबर भी आ जाएगा, यहाँ पर बिल्डिंग नंबर भी हमारा दे रखा है ठीक है ना। ठीक आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं करना मतलब यहाँ पर सेम वही करना था जो बैठा ठीक है, यहाँ पर हिंदी आप देख रहे हैं थोड़ी सी हिंदी है ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं लिखूंगा लेट माना क्या बताइए, क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ, देखिए डायग्राम क्या बनता है इसका, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ठीक है ना, ठीक है। कर्ण तो उन्होंने 13 सेंटीमीटर का दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर का दे रखा है ठीक है ना, सेंटीमीटर का रखा है ना 13 सेंटीमीटर का ठीक है। यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी ठीक है, ये सटीक होना चाहिए 90 डिग्री का ठीक है, और टेढ़ा बन रहा हो उसका कोई फर्क नहीं है ठीक है, आप 90 दिखा सकते हैं ठीक है, 90 डिग्री समकोण करें 90 डिग्री को ठीक है। ठीक रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ठीक है, ऊंचाई तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर कितना देखिए, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो मैं लिखूँ यहाँ पर आधार 7 कम है माइनस के 7, ये देखिए तुम्हारा दे रखा तुम्हारी किताब में ठीक है, ये चीज़ दे रखी है कि शुरू में दे रखा है आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, अच्छा तुम देख लिया होगा तो देखिए तेरा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ये भाई मैंने ये चीज़ दे रखा तुम्हारा ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखूँ यहाँ पर, मैं लिखूँगा वहाँ त्रिभुज का आधार फॉर्म कर रहे हैं ठीक है ना, लेट समकोण त्रिभुज का आधार बराबर एक्स सेमी ठीक है, तो फिर मैंने ये लिख दिया दिया डाल करके ठीक है, दिया ठीक है, यहाँ पर दिया रखा ठीक है ना, देख लीजिए ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए मैंने आधार क्या माना, देखिए आधार मैंने मान रखा एक्स, यहाँ पर ऊंचाई तो ऐसी लिखनी ऊंचाई अपनी ऐसी आधार को इवन क्या माना, इसे आधार को क्या मान लिया, देखिए मैंने आधार बराबर क्यों मान लिया एक्स को, यहाँ पर एक्स माइनस के 7 ठीक है, यहाँ पर आधार कितना जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस के 7, ये माना तुम्हारा आधार ठीक है, आधार ठीक है, सॉरी आधार को मैंने क्या माना एक्स माना, तो यहाँ पर आधार को एक्स, ऐसे ऊंचाई को क्या मान लिया मैंने, ऊंचाई को मान लिया मैंने तुम्हारा एक्स माइनस के 7 ठीक है। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में मैंने समझा समकोण त्रिभुज ए देखिए कर्ण अर्थात तुम्हारा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस कर्ण बराबर का आधार प्लस लंब होता है ना लंब का वर्ग ठीक है, तो कर्ण कितना अपन देखिए कर्ण कितना 13 है, 13 घात हो जाएगा बराबर आधार कितना लीजिए आधार अपना एक्स की घात हो जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस लंब कितना अपना एक्स माइनस के 7 की घात 2 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 होती है 100 ठीक है ना, 100 ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला खोल दिया प्लस के 7 माइनस के 7 14 एक्स ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के कितना, तो यहाँ पर मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस कितना 49 यहाँ पर प्लस के 14 एक्स ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पे ये तो ये गया, ठीक है। और यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए इसको देखो खींच लेंगे यहाँ पे 169 और प्लस के अपना 49 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 14x, ठीक। और यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 9, 9, 9, 8, 6, 14, 6, 4, 10, 11, 11 और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। 218 14x बराबर इससे कम जाएगा, कितनी बार करेगा देखिए, या 218/14x, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और आप हल करते हैं क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में होगा प्लस है, प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस ये कटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, कितना जाएंगे अपना 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ थोड़ी गलती कर चुके हैं, यहाँ पर यह हमारा 169, यहाँ पर 2x हो गया और माइनस के 14x और माइनस कितना 149, और ये माइनस का ले जाएगा, क्या जाएगा, ले जाएगा माइनस का 169, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2x² और माइनस के 14x, और यहाँ पर देखिए प्लस का बजाय माइनस में जोड़िए, तो यहाँ पर 9, 9, 18 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए 10 और 11 का 1, और यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए 218, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर जाएगा, जब मैं 2 बाहर यहाँ से ले लूँगा, दो बाहर ले जाता हूँ यहाँ पर x², और यहाँ पर जाएगा माइनस का 7x, और माइनस कितना देखिए मैं यहाँ पर 2 बाहर ले, 2 यहाँ पर 9 0 x² माइनस का 7x माइनस 1 0, ठीक है। क्योंकि इसमें को 218 में 2 ही करना, 2 अब 2 ने 18, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिए मैं कहाँ से मेरा 4 से कर दिए, क्योंकि मेरे कैसे कर दिए, 2 आपके पास 2 रास्ते हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारा 12×7 चल रही, ठीक है। मैं इसमें 12 में जो ये नहीं कुछ किया, क्योंकि यहाँ पर x² माइनस 12x प्लस 5x, ठीक है, और माइनस के 109 = 0, यहाँ पर x माइनस के 12, यहाँ पर x माइनस के 12 और प्लस कितना 5x माइनस के 12, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा ये माइनस का है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस माइनस का सही चला है, ठीक है ना। x माइनस के 12 इन दोनों में कोई लिख लेंगे, और x प्लस के 5 = 0, यहाँ पर x बराबर कितना 12 और यहाँ माइनस के 5 हो जाएगा, फिर वहाँ पर तुम छोड़ देंगे तो ऐसा माना जाएगा 12 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मीटर मानों पर ऊंचाई x माइनस के 7 थी, यहाँ पर x के स्थान पर 12 रख देंगे, तो 12 माइनस के 7 बराबर कितना हो गई है 5 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई बराबर कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है, उसकी ऊंचाई भी 5 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, पढ़ लीजिए ध्यान पूर्वक। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वां क्वेश्चन मैच कर रहा है, देखिए प्रश्नावली 4.1 के दूसरे के पहले खंड पर मैच कर रहा है, ठीक है। हमने ये हल कर दिया सरलता पूर्वक, देख लेना आप इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा ये 10वां है, 10वां जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.1 के दूसरे का जो पहला खंड है उससे मैच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप देख लेना वीडियो स्किप करके पीछे से, ठीक है, हटा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखिए। और देखिए मित्रों एक बात और बता दूं मैं आपको, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, 4.7 का जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो वो 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के 5वें खंड से मैच करता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने करा दिया, इससे मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम देखिए 11वां, देखिए 11वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 11वां क्वेश्चन करा एक आयत, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए 11वां, मैं भी पढ़ लेता हूँ, देखिए ये कह रहा है, एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी भुजा, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है या लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार और पढ़ देता हूँ, देखिए वो कह रहा है, कोई आयताकार खेत है, उस आयताकार खेत के विकर्ण उसकी उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। तो वगैरह यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा बताइए, एक आयताकार की छोटी भुजा, ठीक है, जो खेत है अपना एक आयत है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लेट खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स मीटर, ठीक है। कोई आयत मान लीजिए, आयत ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, इसकी जो छोटी भुजा हो जाएगी, इसकी छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, मान लीजिए ये मान लिया हमने, ठीक है, एक्स की छोटी भुजा, ठीक है, एक्स की छोटी भुजा हमने ये मान ली है। तो देखिए यहाँ पे क्या रखा, ये रखा बड़ी
भुजा छोटी भुजा से 30 सेमी अधिक है तब, ठीक है, ये दे रखा है इसने, साफ साफ दे रखा है, ये करा है, देखिए क्या करा है, करा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है तब, ठीक है। तो देखिए जो बड़ी भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा से कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा बड़ी भुजा, तो यहाँ पे मैंने बड़ी भुजा को ऐसे लिख देता हूँ, बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा, तो छोटी भुजा एक्स मान दिया मैंने, और प्लस अधिक का मतलब मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो बड़ी भुजा कितनी आएगी, एक्स प्लस के 30, ठीक। अब देखिए यहाँ पर छोटी भुजा ये होगी, बड़ी भुजा ये होगी, इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, क्षेत्रफल का मतलब आयत, आयत का, ठीक है, उसका इसका आयतन का। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा यहाँ पे दिया रखा है, क्या मतलब दिया है, और ये भी सेम दिया है, मैंने डाला नहीं है, ठीक है, दिया मतलब मैंने लिख दिया, जो करा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो क्या एक आयत है, उस आयत का जो विकर्ण है, यहाँ पे मैं विकर्ण लिख देता हूँ, विकर्ण उसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को हमने क्या माना, एक्स मान लिया, किससे 60 अधिक है, तो बस यही बात तो बता रहा था वो, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को हमने एक्स माना था, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, किससे अधिक, कितना अधिक है, 60 अधिक। तो अधिक का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अधिक का जोड़ते हैं, कम का घटाते हैं, और वहां का मतलब 1/7 / 4 तो उससे भाग करते हैं, ठीक है, गुने का गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह आ गया, अब देखिए इसका मैं लिख दूंगा आपको, आयताकार खेत का, क्या बताइए क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ये क्या बताइए। तो देखिए यहां से क्या करते हैं हम, देखिए यहां पर देखिए ये कह रहा है छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को हमने x मान लिया, ठीक है, वो कह रहा है छोटी भुजा, यानी कि ये कह रहा है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, अब देखिए x प्लस के 30 मानो, तो यहां पर हो जाएगी x प्लस के 30, तो ये भी x प्लस के 30, तो ये छोटी भुजा ये इतनी है, तो ये भी इतनी हो जाएगी दोनों, क्योंकि आया था ये, फिर कह रहा विकर्ण, विकर्ण कितना हो गया, देखिए विकर्ण अपने यहाँ से लेके ये हो गया, तो यहाँ पे x प्लस के कितना बताइए, x प्लस कितना 60, तो यहाँ पे x प्लस के 60, तो आप देख रहे होंगे इसका त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार से कुछ बन जाएगा इसका, देखिए इस प्रकार से मैं इसका त्रिभुज बना सकता हूँ, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज बन जाएगा तुम्हारा ये, तो ये वाली भुजा तो तुम्हारी ये वाली ये बन गई, और इसके बाद में देखिए यहाँ से जो तुम्हारी ये भुजा हो जाएगी, ये मान सकते हैं इस चीज को, हम ये मान सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो तुम्हारा आधार हो जाएगा तुम्हारा, तो देखिए यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा तुम्हारा, x प्लस के 60, और यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा ऊंचाई किसकी कितनी हो जाएगी इसकी बताइए, ऊंचाई जाएगी तुम्हारी x प्लस के कितना बताइए 3, और यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने काट करके यहाँ से उठा करके मैंने ये रख दिया, ठीक है, किस तरीके से रख दिया बता सकते हैं कोई, ये मैंने इस चीज को ऐसा करके पढ़ दिया, किस चीज को ये वाला ऐसा था ऐसा करके, तो मैंने इस तरीके से मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है ना, जब मैंने इस तरीके से खड़ा कर दिया, ठीक है, तो आप देख लेना खुद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण एक तरफ आ जाएगा, यानी कि मैं देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख देता हूँ, मैं लिख दूंगा चित्र से, तो चित्र से देखिए, तो यहाँ पर देखिए x प्लस के तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण देश में क्या होता कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण कितना तुम्हारा x प्लस के 60 बराबर आधार कितना तुम्हारा x घात 2 आ जाएगा प्लस लंब कितना अपना लंब अपना ये तो हो जाएगा x प्लस के 3 का होल वर्ग, ठीक है। तो इसका सूत्र खोलूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 360 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे और प्लस के कितना 72 यहाँ पर देखिए 2ab² + b² वाला फॉर्मूला खोल दिया हम, तो यहाँ पर 2 × x × 60, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसका खुल जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3×9 प्लस के कितना बताइए 3×6 x हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब चीज़ को मैं इधर को खींच लाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बताइए 360 और प्लस के 3×6 = 12 यानी कि 120 x, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर
यानी कि दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये तो यहाँ देखिए ऐसा कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, या और यहाँ पर माइनस के नौ और माइनस के नहीं माइनस के ये प्लस का तो इधर आ गया माइनस का जाएगा कितना छः एक्स बराबर जीरो। ठीक है अब देखिए इस चीज़ से ये चीज़ गई है। ठीक है अब यहाँ पर देखिए ये 360 है और यहाँ पर माइनस के नौ है, जब 360 में से हम नौ निकाल लेंगे तो 200 कितना बच जाएगा, 360 में से हम नौ निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये एक बच गया एक पाँच और यहाँ पर कितना तीन, यहाँ पर 351 बचेगा, कितना बचेगा 351 बच जाएगा 51। ठीक है अच्छा पता ये। ठीक है अब देखिए यहाँ सर और यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर और बच रहा है। ठीक है यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर बच गया ये वाला, और यहाँ पर ये तुम्हारा प्लस के 351। ठीक है ये चीज़ भी हो चुकी है अपनी क्लियर, ये भी हो चुकी है। ठीक है अब यहाँ से देखिए ये तुम्हारा माइनस का है और ये प्लस का, तो यहाँ से देखिए माइनस कितने बच जाएंगे 100 ये तुम्हारा कितना इसमें से निकालना 6 निकालना है। ठीक है यहाँ पर कितना जाएगा 114 एक्स बच जाएंगे। ठीक है बराबर जीरो। ठीक है यहाँ से मैं माइनस ले रहा हूँ बाहर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जब मैंने माइनस ले लिया तो यहाँ पर प्लस के 114 एक्स और यहाँ पर माइनस के 351 बराबर कितना जीरो। ठीक है तो मित्रों बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 था एक्स प्लस के 30 था तो मैंने क्या कर रखा ये कर रखा। ठीक है तो यहाँ से सब कुछ डिलीट मार देते हैं, देखिए यहाँ पर डिलीट मारनी पड़ेगी। ठीक है यहाँ से ये डिलीट सब कुछ लग चुका है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम खोल देते हैं, देखिए ए प्लस के बी वाला होल स्क्वायर वाला। ठीक है ना तो यहाँ पर ए प्लस के बी का होल वर्ग क्या होता है अपना ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के दो ए बी वाला फॉर्मूला। ठीक है तो ए के स्थान पर क्या बता सकते हैं मुझे, ए के स्थान पर तुम्हारा एक्स है तो यहाँ पर मैंने एक्स रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना घात ऊपर से दो तो दो रख दिया, प्लस बी के स्थान पर कितना तुम्हारा 60 है तो मैंने 60 रख दिया, ऊपर से घात कितनी है दो तो दो रख दिया, प्लस दो ए बी तो दो बनाए से गुणा ए के स्थान पर कितना तुम्हारा एक्स और गुणा बी के स्थान पर कितना तुम्हारा 60 बराबर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस यहाँ पर सेम ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना 30 का भी घात दो और प्लस यहाँ पर कितना बताइए इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग नहीं किसी का दो गुणा एक्स गुणा कितना 30 कितना 30। ठीक है ये कितना अपना 30 है यहाँ पर। ठीक है अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 6×36 और 20 हो जाएंगे। ठीक है प्लस कितना 6×12 है और 0 चाहिए और यहाँ पर एक्स। ठीक है बराबर यहाँ पर एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ पर ये कल कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। ठीक है क्यों, क्योंकि एक ये पर एक यहाँ से आ रहा है। ठीक है 2x स्क्वायर और यहाँ पर देखिए ये हो चुका है तुम्हारा और यहाँ पर प्लस के यहाँ पर देखिए 60x 30×60x और प्लस के 3 आ जाएगा 9 और यहाँ पर 20 और आ जाएगी। ठीक है ठीक है ना इसके इधर को ये सब जीरो इस चीज़ को उधर को खींच लेंगे या इसके इधर खींच ले कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो यहाँ पर देखिए इस वाली चीज़ को इधर खींच लूँगा। ठीक है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 120 को मैंने ये लिख दिया और प्लस के 3600 को मैंने ये लिख दिया। ठीक है ना 360 को, ठीक है 3600 को। ठीक है अब ये प्लस का था इधर आगे माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 60x और माइनस के 900 बराबर जीरो बचा। ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है तो यहाँ से कितना बचेगा बताइए, तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2x में जब x निकालेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है अब देखिए ये तुम्हारा 120 ये x का था, ठीक है x का पद था तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ मैच करेगा, जब 120 में जब 60 निकालोगे तो प्लस के 60x बच जाएंगे, प्लस के 60x बच गए। ठीक है क्योंकि 120 में जब 60 निकालो 60 बच गए, अब ये किसके साथ मैच करेगा इसके साथ में। ठीक है 3600 में से 900 निकाल लीजिए, यानी कि 3600 में से जब हम 900 निकाल लेंगे सॉरी 900 में से जब 3600 निकाल लेंगे यहाँ पर 900 में से 3600 निकाल लेंगे तो जीरो यहाँ पर चार बची है किसी ने दो दे दिया तो यहाँ पर कितना रहेगा 8 में से 540 बची कितने माइनस के तुम्हारे बच जाएंगे माइनस के 540 बच गए। ठीक है बराबर जीरो। ठीक है यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। ठीक है तो मित्रों यहाँ पर ये तुम्हारा 3600 था, कितना 3600 था, देखिए 3600 में से हम 3600 में से हम निकालेंगे 900 रुपये तो कितने बचेंगे देखिए 00 यहाँ पर 7 बच जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2700 बच जाएगा, कितना मित्रों 2700 बचेगा, यहाँ पर कितना 2700 बचेगा। ठीक है मैं माइनस यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, देखिए यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लिया, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस के 60 और यहाँ पर बताइए प्लस के 200 2700। ठीक है 2700। ठीक है ना ये बचेगा और आगे बताइए क्या करते हैं यहाँ से,
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का बचेगा, किसी चीज का यहाँ पर माइनस का बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे माइनस हो तो इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के देखिए इसमें कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 90 और यहाँ पर तुम्हारा 90 और प्लस के कितना 30 यहाँ पर एक्स में आ जाएगा, कितना में एक्स में, जब 90 की हम 30 की गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90 और गुणा 30 की जब हम गुणा करेंगे तो 20 तो ऐसी आएगी, 9 3 आते हैं कितना 27, और 27 से दाना गुणा करके हमें जोड़ के घट के कितना लाना चाहिए 60, हम तो 60, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैच हमसे कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 90x और प्लस के 30x, हम घटाएंगे 60 बच गया, और माइनस के तुम्हारा 27 00, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं x और यहाँ से x माइनस के 90 हो गया, ठीक है। प्लस के यहाँ से मैंने 30 बाहर ले लिया, हमारा x माइनस के 90 बराबर 0, ठीक है। x माइनस के 90 x प्लस के 30 बराबर 0, x बराबर आप बता सकते हैं कि यहाँ से 90 आ जाएगा एक और एक आ जाएगा माइनस के 30, तो ऋणात्मक हम सीधी सी बात ऋणात्मक छोड़ते हैं, तो यहाँ पर x बराबर क्या ले लेंगे हम 30 ले लेंगे, ठीक है। तो उसकी जो भूखंड की जो क्या नाम भूखंड था तुम्हारा क्या था, देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न था तुम्हारा आयताकार था, ठीक है। आयताकार विकर्ण की लंबाई इतनी बड़ी भुजा छोटी भुजा से इतनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगी तुम्हारी बड़ी भुजा, क्या बड़ी भुजा, मैं लिख दूंगा बड़ी भुजा कितनी आएगी, एक्स प्लस के कितना था, एक्स प्लस के क्या था देखिए 30, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, देखिए यहाँ से बड़ी भुजा क्या थी देखिए, तो यहाँ पर थोड़ी गलती कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस के 30 है, तो माइनस के 30 को तो हम लेंगे नहीं थे हमने, ये जबकि माइनस के 30 ही ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम 90, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा 90 रख दूंगा, 90 प्लस के 30 तो कितना होता है 120, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर बड़ी भुजा ये हो जाएगी, तो इसकी बड़ी भुजा और छोटी भुजा तो तुम्हारी ये है ही, ठीक है ना। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे इतने, ठीक है ना, ये इसके आंसर ये वाला और ये वाला, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए पढ़ लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, बोला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्या दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, वर्ग क्या होता है तुम्हारा, वर्ग ये होता है तुम्हारा, ये वर्ग होता है तुम्हारा, ठीक है ना, वर्ग भुजा गुणा भुजा, इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर सॉल्व हमने कर दिया, ठीक है ना, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा बताइए, प्रश्न पढ़ लीजिए, देखिए उगरा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्या दो वर्ग हैं, ठीक है, दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना है, देखिए 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर, ठीक है, हमें क्या दे रखा है उनके उनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, क्षेत्रफलों का योग और उसके परिमापों का अंतर दे रखा है, ठीक है, ये चीज इसने दे रखी है, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए, मैं लिखूंगा वर्ग की भुजा, मैं लिखूंगा लेट वर्ग की भुजा, देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या मान ली मैंने, एक्स मीटर मान ली, ठीक है, जब ये एक्स मान लिया मैंने एक बार, यहाँ पर देखिए ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना, ये सब एक्स ये इतनी हो जाएगी। फिर क्या करा देखिए, ये कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, ठीक है, उनके परिमापों का अंतर, देखिए इस वर्ग का मैं जब क्षेत्रफल निकालूंगा, ये देखिए मैं लिखूंगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का देखिए वर्ग वर्ग का परिमाप परिमाप बराबर क्या, देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि सभी भुजाओं का योग होता है, परिमाप मतलब चारों ओर का जो तुम्हारा क्षेत्र होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्लस यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्लस यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यानी कि डी से सी से लेकर डी तक की दूरी प्लस डी से लेकर के ए तक की दूरी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई जाएंगी तुम्हारी 4x, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 में लिख दिया और क्या में नाप रही दूरी एक्स में, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ये, ठीक है। फिर इसने देखिए फिर क्या करा, फिर कह रहा है अगर परिमापों का अंतर 24 हो, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए डाल देता हूँ, तो देखिए क्या कह रहा यदि परिमापों का अंतर 24 है तब, ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ग का परिमाप
माइनस दूसरे दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर माइनस के 24। क्यों? क्योंकि अंतर, अंतर का मतलब घटाव का चिन्ह, ठीक है। हमें माइनस के 24 क्यों लिया, क्योंकि मित्रों माइनस ये हमसे अंतर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले वर्ग का प्रथम वर्ग का परिमाप कितना अपना 4x, माइनस दूसरे का हमें पता नहीं, तो दूसरे वर्ग का परिमाप ऐसी के छाप दिया मैंने बराबर इतना माइनस के 24, ठीक है। इस चीज को मैं इधर को ले आऊंगा, तो यहाँ पर 4x और ये माइनस का आता है दर्जा प्लस के 24 बराबर कितना, देखिए माइनस का दर्जा का दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप परिमाप, ठीक है। तो कितना आया 4x प्लस के 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, फिर यहाँ से आयो देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ग की हमें भुजा का पता और होना चाहिए, क्या मैंने यहाँ पर दूसरे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 4x प्लस के 24 तो ये है ही, और बटे नीचे से 4। क्यों? क्योंकि बताइए यहाँ पे मैंने बटे में 4 क्यों लिया, क्योंकि देखिए जब हम इससे इसे भाग नहीं देंगे जब तक कि हम हमारे पास में इन इनको इनसे ही हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ से मैं कुछ 4 बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बता यहाँ पे मैं क्यों करा ये इस तरीके से 24x प्लस के 4 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। 4x माइनस के दूसरी भुजा, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद में मैंने देखिए माइनस का था दर्जा का प्लस का हो गया, और ये माइनस का था दर्जा का प्लस का हो गया, ठीक है। इतनी बात होगी। अब मैंने लिखा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, देखिए हमारे पास में तीन चीजों को तीन हमारे पास में देखो कोई फॉर्मूला में हमारे पास में तीन चीजें हैं, ठीक है। तीन चीजों में से हमें दो चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी भुजा हम अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तीसरा आइटम जो हम अपने आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीज का हमें पता है, किसके दूसरे वर्ग की भुजा का हमें नहीं पता है, तो हमें क्षेत्रफल का इसके वर्ग क्षेत्र उसके आयत का पता है, ठीक है, और भुजा का पता है। तो हम इसका जो है उसकी भुजा को ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मैंने 4 भर ले लिया, तो x प्लस के 6 हो गया आंसर, और बटे नीचे से 4, तो ये 4 से 4 गया, तो यहाँ पर x बराबर में x प्लस के 4, तो इसकी वर्ग की भुजा क्या होगी, x प्लस के 4, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, x प्लस के 4, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दोनों को प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तभी हमसे ये इस बात को हम शर्त को रखने करा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, जब हम इनको योग दे रखा दोनों क्षेत्रफलों का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्या क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मैं लिखूंगा प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 का भुजा, तो देखिए भुजा का वर्ग, जब भुजा का वर्ग क्या, भुजा कितनी अपनी x, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पर x स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, क्या x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए और आगे चलते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं लिखता हूँ दूसरे वर्ग की, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताइए, यही लगा देंगे भुजा की घात 2। तो यहाँ पर देखिए इसका जो भुजा कितनी थी अपनी, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी, दूसरे वर्ग की का जो परिमाप कितना, दूसरे वर्ग का परिमाप ही हो गया, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी, x प्लस के 6, सॉरी x प्लस के कितना 6 ही है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 4 नहीं, x प्लस के 6, तो यहाँ पर x प्लस के 6, और इसका वर्ग ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, चलो फॉर्मूला बाद में खोल लेते हैं, यही खोल लेंगे, ठीक है, बाद में खोल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करा प्रश्न, ये करा यदि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, मैं यहाँ पर दिया करके डाल देता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर दिया है और डाल देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर दिया है करके दिया है, देखिए मैंने लिखा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, तब तो जो दोनों जो वर्गों का क्षेत्रफल है हम उनको जोड़ देते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या था एक्स स्क्वायर, और प्लस दूसरे का क्या था अपना एक्स प्लस के 6 का होल वर्ग बराबर कितना, देखिए कितना 468, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर प्लस के 6×36 जाएगा, प्लस के 6×12 एक्स हो जाएगा बराबर कितना 468, ठीक है। 12 कहाँ से आया, इसका दोगुना करते हैं 2ab वाला, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 36 नहीं 12x हो जाएगा कितना 12x, और यहाँ पे प्लस के 36 और माइनस के 468 बराबर 0, यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस के कितना 12x और माइनस के कितना 36 घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 में 6 गए तो यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 3 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 432 बराबर कितना 0, यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया है, यहाँ पर क्या है मैं 2 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस के 6x और माइनस के 2, और यहाँ पर कितना जाएगा 16, ठीक है, बराबर कितना 0। तो ये
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 216 बराबर उतना 0, इसका फैक्टर कर लेंगे या गुणनखंड विधि या उसका श्रीधराचार्य से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, गुणा करके इतना मिलना चाहिए 216 और इसकी घटा का जोड़ करके इतना मिलना चाहिए 6, ठीक है। तो देखिए तो हम इसके फैक्टर मिल जाएंगे तुम्हारे 12 की जब मैं गुणा 18 से करूँगा तो कितना मिल जाएगा 216 जब मैं घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा हमारा 18 में जब 12 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस के कितना 18x और माइनस के 12x माइनस के 216 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर एक्स और यहाँ पर कितना एक्स प्लस के 18 और यहाँ पर माइनस के 12 एक्स प्लस के 18 बराबर 0, ठीक है। एक्स प्लस के 18 और एक्स माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा कितना जाएगा एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस के 18 और यहाँ पर 12, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या मानते हैं हम, प्लस वाला मानते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा 144 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रथम भुजा क्या मानी थी, वर्ग की भुजा जो मानी थी, भुजा वर्ग की जो भुजा मानी थी तो x माना था, हमने क्या माना था x माना था, x का मतलब यही आएगा मित्रों की, ठीक है। तो यही वर्ग की छोटे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 12 है, और बड़े वर्ग की जो भुजा हो जाएगी छोटे वर्ग की भुजा में हमें डाल देता हूँ, देखिए छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 है और बड़े वर्ग की भुजा कितनी जाएगी x प्लस के 6 था ना, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे बताइए 12 प्लस के 6 बराबर कितना जाएगा 18 हो जाएगी, ठीक है, कितना 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 पढ़ लीजिए एक बार, मैं पढ़ लेता हूँ, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट लिख दूंगा बगिया, क्या यहाँ पर बगिया डाल देते हैं, देखिए आम की बगिया की बात कर रहा ना, बगिया की चौड़ाई या लंबाई दिनेश तुम बताओ भाई, तो देखिए बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर कितना एक्स मीटर, ठीक है, बगिया की चौड़ाई एक्स मीटर हो गई। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, देखिए मैं देखो डाल देता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई को हमने क्या माना, देखिए लंबाई हमने कुछ भी नहीं मान रखी है, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, चौड़ाई को यही माने लंबाई यहाँ मान सकते हैं, ठीक है, तो बात हो जाएगी फिर भी, तो लंबाई ऐसे ही है बराबर चौड़ाई, तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई को मैंने क्या माना एक्स माना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया एक्स और यहाँ पर गुणा दोगुनी बता रहा है क्या, तो मैंने दो कर दिया, ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बराबर 2x हो गई, ठीक है ना, नहीं कि 2x। तो देखिए मैं इस बगिये का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो बगिये का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए आयताकार की बात कर रहा था, किसकी, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो, तो देखिए आ कोई बगिया है मान लीजिए लंबाई चौड़ाई से दोगुना, तो देखिए आम की चौड़ाई होगी कितनी एक्स और लंबाई होगी इसकी 2x, तो देखिए सीधी बात है आयत बन रहा, तो आयत का जो क्षेत्रफल हमें ये नहीं पता हो, पहले ये नहीं पता था कि आयत बन रहा है या वर्ग बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जात पड़ रही है हमें लंबाई जो है ये चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स है तो यहाँ पे ये डबल एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा मैं लिख दूंगा आयत का या मैं लिख दूंगा बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना बताइए, क्या जरा खास देखिए बगिया का क्षेत्रफल कितना रखा हमने 800 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे मैं 800 लिख दूंगा और बराबर देखिए यहाँ पे कितना 2x और गुणा यहाँ पे कितना x, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिए लंबाई कितनी अपनी, लंबाई कितनी 2x मान लिया मैंने और चौड़ाई कितनी थी अपनी ये, तो इसके क्षेत्रफल जो तक है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयताकार वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 800 दिया है, लंबाई कितनी अपनी 2x और गुणा यहाँ पर x, ठीक है, लंबाई, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 800 बराबर कितना ये जाएगा तुम्हारा 2x की घात कितनी 2, तो यहाँ से कितनी बार गया ये 400 बार गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये किसका वर्ग है ये 20 का वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो इससे ये गया तो एक्स बराबर कितना जाएगा प्लस माइनस के 20 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना मान जाएगा 20, क्योंकि माइनस को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो जाएगा ये 13 हम कर चुके हैं,
चौदहवा क्वेश्चन देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार ध्यान पूर्वक, ठीक है प्रश्न मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए ये करा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, संभव है तो ये, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है तो देखिए क्या करा, 80 मीटर परिमाप की बात कर रहा था, इसमें देखिए कोई सी भी चीज ले लेंगे हम, देखिए कोई सी भी चीज ले लीजिए ठीक है ना। तो मैं देखिए मैंने लिख दूंगा लैट, लैट मैं लिख दूंगा पार्क, पार्क का परिमाप या पार्क का, पार्क की लंबाई कुछ भी ले लीजिए, पार्क की लंबाई और क्या करा देखिए, चलो पहले इसकी कर दे, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी एक्स मीटर, ठीक है लंबाई एक्स ले लो या चौड़ाई एक्स ले लो कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है ठीक है। तो देखिए फिर क्या करा, ये करा पार्क का परिमाप, क्या पार्क का परिमाप, तो देखिए यहाँ से मैंने लिखा पार्क की लंबाई एक्स, ठीक है तो फिर क्या करा इधर आप, क्या परिमाप 80 वर्ग मीटर, तो देखिए परिमाप कितना बता रहा, 80 वर्ग मीटर, तो देखिए मैं लिखूंगा पार्क का परिमाप, ठीक है पार्क का परिमाप, परिमाप बराबर कितना, कितना बता रहा 80 मीटर, ठीक है तो मैंने 80 लिख दिया, पार्क का परिमाप 80 मीटर। तो परिमाप जो, इसके जो परिमाप का जो क्षेत्र होता है तुम्हारा, जो फॉर्मूला होता है बताइए, तो ये होता है तुम्हारा दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बराबर कितना 80, ठीक है इससे इसे काटेंगे कितनी बार गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बराबर देखिए 40, ठीक है इतना हो चुका। अब देखिए मैंने लंबाई की क्या माना एक्स, तो लंबाई के स्थान में एक्स रख दूंगा, यदि चौड़ाई को मैं एक्स मानता तो चौड़ाई के स्थान पे एक्स रख देता, ठीक है मैंने मगर यहाँ पर लंबाई क्या माना एक्स, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स प्लस के चौड़ाई कितना, चौड़ाई बराबर कितना 40, तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितना जाएगा 40 माइनस के एक्स, समझ में आया नहीं, क्योंकि देखिये चौड़ाई अपने स्थान, देखिए यहां से देख लीजिए, देखिये लंबाई को मैंने क्या माना है एक्स, तो मैंने एक्स प्लस के यहाँ पर कितना चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना 40, तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई बराबर कितना 40 और माइनस के एक्स, ये प्लस का दोनों माइनस हो गया। अब देखिए क्या कह रहा फिर, क्योंकि तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, तो देखिए इसका मैं क्षेत्रफल लगा देता हूँ ठीक है ना, मैं लिख दूंगा पार्क का क्षेत्रफल ये कितना है 400 वर्ग मीटर, 400 ठीक है ये चीज दे रखी है तुम्हारी किताब में ठीक है। तो हमारे क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता ना 400, ठीक है 400 ही है, 400 ही है ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे यहाँ से बताइए, तो यहाँ पर देखिए 400 ही हो गया, तो यहाँ पर देखिए लंबाई, लंबाई कितनी मानी थी हमने, लंबाई देखिए लंबाई को हमने एक्स मान लिया था, तो यहाँ पर देखिए एक्स गुणा यहाँ पर चौड़ाई को क्या माना था, देखिए चौड़ाई कितनी आई है 40 माइनस के एक्स, 40 माइनस के एक्स बराबर 400, ठीक है तो ये जाएगा तुम्हारा 40 एक्स, और ये जाएगा तुम्हारा अंदर गुणा कर रहा हूँ 40 एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 400, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे देखिए पार्क, ये तुम्हारा पार्क है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400, ये तुम्हारी किताब में दिया है, यहाँ पर मैं देखिए दिया करके डाल देता हूँ, दिया है ये भी तुम्हारा दिया है, दिया है ठीक है। जो पार्क का परिमाप का जो सूत्र फॉर्मूला होता है, लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये होता है ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है तुम्हारा परिमाप का ठीक है, और चौड़ाई जो होता है तुम्हारा ये वाला चौड़ाई का पार्क का क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है ठीक है बराबर, उसका जो तुम्हारा किताब दिया वो छाप दिया मैंने ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें चौड़ाई क्या मिली, इतनी मिली तो चौड़ाई मैंने सब कुछ उसके स्थान पर रख दिया ठीक है। अब देखिए जैसे ये सब चीज को मैं उधर को ले जाऊंगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा बराबर 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर 400 और प्लस का तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का इधर जाकर प्लस का इधर जाकर माइनस का जाएगा, यानी कि 40 एक्स ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तुम्हारा कितना आ चुका है, तुम्हारा ये क्षेत्र का परिमाप पार्क का क्षेत्रफल ये आ चुका है। तो देखिए क्या करा, लंबाई तथा चौड़ाई की बात पूछ रहा है हमसे ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस के 40 एक्स और प्लस के कितना 400 बराबर 0 ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बताइए, गुणा करके कितना मिलना चाहिए हमें, गुणा करके मिलना चाहिए हमें 400 और जोड़ के घटा करके 40 मिलना चाहिए, बताइए क्या फैक्टर हो सकते हैं, सुभाष बताएगा। हाँ नहीं 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 सुभाष बताएगा, नहीं तुम चुप रहना कदे सुभाष ठीक, हाँ सुभाष बताओ, हाँ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो चलो छोड़ते हैं, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, हम भी दिमाग पर जो नहीं देते श्रीधराचार्य से लगा देते हैं ठीक है। तो देखिए श्रीधराचार्य क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा, इसकी पहले मैं तुलना कर लेता हूँ, देखिए तुलना देखिए
ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर जीरो से तुलना करने को तो ए बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए बराबर एक हो जाएगा और तुम्हारा बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 40 और सी बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, सी बराबर हो गया तो मैंने फॉर्मूला लगा दूंगा एक्स बराबर माइनस के प्लस माइनस के रूट के बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे कितना 2, तो यहाँ पर देखिए बराबर माइनस के बी, तो बी का मान देखिए बी का मान कितना 40, तो यहाँ प्लस के 40 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस के रूट के, ठीक है, यहाँ पर 40 का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 गुणा ए का मान देखिए, ए का मान क्या है, ए का मान तुम्हारा कितना देखिए, ए का मान 1 है, ए का मान 1 गुणा और तुम्हारा देखिए सी का मान कितना 400, तो सी का मान हो जाएगा तुम्हारा 400 बटे कितना 2 गुणा 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 40 प्लस माइनस के, ठीक है, 4 चक 16 हो जाएगा तुम्हारा, 4 चक 16 दो जीरो हो जाएगी, यहाँ पर 1600 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 चक 16 यहाँ पर देखिए 1600 और यहाँ पर देखिए ये जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 प्लस माइनस के यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा 0, तो देखिए बटे 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 40 बटे 2, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 20 आ चुका है, तो देखिए यहाँ पर लंबाई भी चौड़ाई भी क्या जाएगी तुम्हारी 20, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आया सेम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ लीजिए, देखिए वो मैं भी पढ़ लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैंने डाल दिया इसलिए, ठीक है ना, पढ़ लेता हूँ। देखिए कि कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं लिखूं रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, लेट रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, मैंने लिखा रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, फिर क्या करा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, बताइए प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बताइए प्लस लेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, देखिए मैं आज मान लीजिए मैं आज 20 वर्ष का हूँ, तो आज से 10 वर्ष पहले कितने का था, तो सीधी सी बात घट जाएंगे, तो ठीक है यहाँ पर लिख दूंगा मैं आयु कितनी है उसकी x, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 30। ठीक है, तो ये जाएगा x माइनस के 30 वर्ष। ठीक, तो ये इसकी आयु x माइनस के 30 वर्ष। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखिए आयु वर्षों का व्युत्क्रम देखिए, तो मैं लिख दूंगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु को व्युत्क्रम, मित्रों ये दिया है तुम्हारा, दिया है, ठीक है, और ये भी दिया है, सब साफ दे रखा है, ये लाइन दे रखी है। ठीक है, का व्युत्क्रम देखिए, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x-30। ठीक है, ये x माइनस के 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा हो तुम्हारा, करा अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, देखिए मैं लिखूंगा 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 5 वर्ष पूर्व नहीं मतलब तो पश्चात की बात कर रहा है, मैं लिखूंगा यहां से 5 वर्ष पश्चात मीन्स बाद में। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, देखिए पश्चात की बात, हाँ पश्चात ही है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर बताइए, देखिए रहमान की वर्तमान आयु ये है, अब से 5 वर्ष पश्चात मीन्स पश्चात मीन्स बाद में, जैसे मान लीजिए आज मैं 20 वर्ष का हूँ, तो आज से 10 वर्ष बाद में कितने हो जाऊंगा, तो यह जाएगा तुम्हारा x प्लस के 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या करा, फिर करा 5 वर्ष उसका व्युत्क्रम निकालना। ठीक है ना, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/x+5। ठीक है, फिर क्या करा, देखिए योग दोनों का, देखिए दोनों का योग किसका, पूर्व का भी और पश्चात का योग कितना, 1/3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोनों का योग 1/3 है तब। ठीक है, दोनों का मतलब इन दोनों का, कौन सी होगा, इन दोनों का योग तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/1/x-30 + 1/x
और प्लस के पांच बराबर कितना एक बटे तीन, ठीक है। कैंची गुणा कर लूंगा एक्स प्लस के पांच प्लस एक्स माइनस के तीस बराबर देखिए एक बटे तीन, और जब कैंची गुणा करूंगा तो इन दोनों की नीचे हो जाती है गुणा तुम्हारी एक्स माइनस के तीस और एक्स प्लस के पांच, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा, तो देखिए यहां से क्या करते हैं, देखिए यहां से देखिए थोड़ा और हल करते हैं इसे, देखिए यहां से दो एक्स और माइनस के पच्चीस, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक्स ही रहा, एक दो दो एक्स हो जाएगा और यहाँ पे पच्चीस हो जाएगा माइनस के, इन दोनों के मैं गुणा कर लेता हूँ, देखिए गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस के पांच एक्स और माइनस के तीस एक्स और माइनस के डेढ़ सौ, ठीक है। मैंने इन दोनों के आपस में गुणा कर लिया, पहले इसके साथ गुणा कर दिया, फिर इसकी गुणा फिर मैंने इसके साथ कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। फिर इस भुजा को मैंने थोड़ा ऐसे बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया, फिर इसकी भुजा की यहाँ से गुणा यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है ना, तो बराबर अपना एक सौ तीस, ठीक है। कैंची गुणा करूंगा, देखिए कैंची गुणा किस तरह से करते हैं बराबर से, तो यहाँ पे देखिए गलती हमने कर चुके थे, गलती कहाँ, क्योंकि रहमान की तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो थी तो एक बटे एक्स माइनस के तीन हो जाएगी, एक्स माइनस के तीन हो जाएगी मतलब तीस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ गलती हो चुका था, तो यहाँ पे देखिए योग जो था अपना, योग क्या था अपना, योग दोनों की आयु का योग था एक बटे एक्स माइनस के तीन प्लस एक बटे एक्स प्लस के क्या था, प्लस था या माइनस था, देखिए एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ प्रश्न को, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु पांच वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर एक्स प्लस के पांच था और बराबर दोनों का आयु का एक बटे तीन था, ठीक है, एक बटे तीन था दोनों का आयु का योग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कैंची गुणा करी थी तो हमने एक्स प्लस के पांच और प्लस इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो एक्स माइनस के तीन और बटे इन दोनों के आपस में गुणा कर लूंगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैं प्लस कितना पांच एक्स, अब इसकी गुणा इसके साथ करूंगा माइनस के तीन एक्स और माइनस के कितना पंद्रह बराबर कितना एक बटे तीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए दो एक्स और प्लस के कितना दो, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से एक्स दो एक्स हो जाएगा तुम्हारा, और जब मैंने इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पर देखिए जुड़ने के बजाय घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले में देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए प्लस के दो एक्स और माइनस के पंद्रह बराबर कितना एक बटे तीन, ठीक है। कैंची गुणा कर देता हूँ, देखिए तीस एक्स और प्लस के तीस, सॉरी तीस नहीं, तो यहाँ से गलती कर चुके, तीन दूनी छः एक्स प्लस के छः बराबर देखिए इसकी गुणा इसमें करूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स और माइनस के पंद्रह, ठीक है, सब कुछ मैं इधर को खींच लूंगा, तो यहाँ पर जीरो बच गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के कितना दो एक्स माइनस के पंद्रह, और देखिए जीरो खींचूंगा तो माइनस के छह एक्स और माइनस के छह बराबर तो जीरो चल रहा आपने इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए ये तो माइनस कितना चार एक्स और यहाँ से देखिए माइनस के कितना हो जाएगा इक्कीस बराबर जीरो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सात चौक अट्ठाईस हो जाएगा, ठीक है, देखिए सात चौक अट्ठाईस नहीं सात में जब तीन निकालेंगे फैक्टर्स के ये बन जाएंगे, देखिए यहाँ से बराबर जीरो उधर दिखा देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के तीन है ना सात एक्स और प्लस के तीन एक्स, ठीक है, माइनस के इक्कीस बराबर जीरो, तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस के, तो यहाँ पर एक्स माइनस के सात हो जाएगा प्लस के कितना तीन, यहाँ पर एक्स माइनस के सात बराबर जीरो, तो यहाँ से तुम्हारा बताइए एक्स माइनस के सात और यहाँ पर एक्स प्लस के तीन बराबर जीरो, तो यहाँ पर एक्स बराबर आप बता सकते हैं एक्स बराबर सात और यहाँ पर माइनस के तीन, ये आ चुके दोनों के, ठीक है ना। और देखिए तो यहाँ पर माइनस का कभी भी मान्य नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आएगा सात आ जाएगा रहमान की आयु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो जाएगा सोलवा क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए सोलह, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह को हम भी पढ़ लेते, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, देखिए क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, चार वर्ष पूर्व इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो देखिए दो मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष, तो मैं लिख दूंगा लेट प्रथम मित्र की आयु बराबर कितना एक्स वर्ष, ठीक है, प्रथम मित्र की आयु कितनी मान लिया मैंने एक्स वर्ष, फिर क्या करा देखिए चार वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, चार वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, या देखिए प्रथम इनका योग निकाल, देखिए प्रथम मैंने क्या बताया था पहले, ठीक है, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर अपना योग, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रथम क्या था अपना एक्स मान लिया, प्लस दूसरी क्या मान लिया मैंने दूसरी संख्या बराबर अपना योग कितना, देखिए योग कैसे रखा उसने, योग कितना 20 वर्ष, कितना 20 वर्ष, तो यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर अपना 20 माइनस के एक्स प्लस उधर माइनस हो गया, तो दूसरी क्या है 20 माइनस के एक्स हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न फिर क्या कर रहा है, ये कर रहा है
चार वर्ष पूर्व उनकी आयु, उनकी क्या, उन दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल दे कितना 48 है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा चार वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, चार वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु। तो यहाँ पर देखिए x, देखिए पूर्व के लिए पहले से लगा में या माइनस लगा में, यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता प्लस लगा में या माइनस, ठीक है। तो पूर्व, पूर्व मीन्स पहले होती है, जैसे मैंने आज मैं 40 वर्ष का हूँ, तो आज से 40 वर्ष, अब मैं 40 वर्ष का हूँ, तो चार वर्ष पूर्व मीन्स पहले कितने का था, ठीक है। तो सीधी सी बात घटा दूंगा, तो यहाँ पर एक्स माइनस के चार वर्ष, ठीक है। फिर क्या करा ये देखिए, फिर ये करा चार वर्ष पूर्व उनकी, देखिए चार वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आएगी, तो मैं लूंगा चार वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, क्या चार वर्ष पहले, पहले नहीं पश्चात, सॉरी पश्चात, पश्चात चार वर्ष पश्चात, ठीक है, चार वर्ष पश्चात, क्या चार वर्ष, सॉरी पश्चात नहीं लिखा जाएगा, पूर्व लिखा जाएगा, चार वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु ये थी, तो यहाँ पर देखिए 20 माइनस के एक्स तो ये है ही, और यहाँ से मैं माइनस के कितना घटा दूंगा, चार घटा दूंगा, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 16 माइनस के एक्स, ठीक है, 16 माइनस के एक्स बरस, ये समझ में आया नहीं यार। देखिए यहाँ पर देखिए चार वर्ष पूर्व, देखिए ये बात हमसे साफ साफ पूछ रहा है दूसरे वाक्य में, यानी कि लास्ट के वाक्य में कहा है चार वर्ष पूर्व उनकी आयु, वर्षों का गुणनफल कितना है 48 है, ठीक है। तो पहले हमें चार वर्ष पूर्व आयु कितनी थी अपनी, एक्स माइनस के कितना था अपना, चार वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु कितनी, एक्स माइनस के चार, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा चार वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, पहले मित्र, दूसरे मित्र की आयु पहले कितनी थी, दूसरे मित्र की आयु एक्स माइनस के 20। तो यहाँ से देखिए जब चार वर्ष की बात करा तो यहाँ से माइनस के चार और घटा दिया, तो यहाँ पे एक्स माइनस के 16 बच जाएगा, ठीक है। और देखिए फिर कह रहा हूँ उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 वर्ष था, तो उनकी आयु का गुणनफल और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं ले दूंगा चार वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ चार, तो यहाँ से देखिए मैंने लिखा चार वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल इतना है, ठीक है। तो दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल देखिए प्रथम ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल। तो देखिए एक्स माइनस के चार गुणा, तो यहाँ से जाएगा 16 माइनस के एक्स बराबर कितना 48, ठीक है। तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, देखिए गुणा किस तरीके से करते हैं, देखिए जाएगा तुम्हारा 16x, पहले गुणा पहले के साथ 16x हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसके गुणा इसके साथ में 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौक 64, और माइनस माइनस के प्लस के लिए जाएगा 4x बराबर उतना 48, ठीक है। अब देखिए सब चीज देखिए ऐसे रहने देते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर प्लस के 20x हो जाएगा, क्योंकि 16 और 4 कितने होते हैं 20, अब यहाँ से माइनस के 64, अब ये इधर खींच लूंगा तो माइनस के 48 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस के इतना 20x, ये देखिए माइनस अभी बाहर नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर बस ये प्लस के, यहाँ से देखिए 20x, और यहाँ से देखिए 8 4 12 का 2 6 4 10 और 1 11, ठीक है ना, बराबर कितना 0। तो यहाँ से मैं माइनस अभी बाहर ले लेता हूँ, देखिए यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लेता एक्स स्क्वायर, माइनस के 20x, और क्या हुआ प्लस के 112 बराबर कितना 0, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए गुणा करके कितना मतलब, यहाँ में देखिए ये सीधे धराचार्य से कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसकी तुलना कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर 0, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पड़ते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस के, और सी बराबर कितना 112, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए सिर्फ धराचार्य एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस के रूट कितना बी स्क्वायर माइनस के 4a c बटे कितना 2a, यहाँ से देखिए माइनस के, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए माइनस के ही माइनस के 20 प्लस माइनस के रूट के, देखिए 20 की जगह 20 का होल वर्ग, ठीक है, माइनस के 4 गुणा a का मान कितना 1 गुणा c का मान हो जाएगा तुम्हारा 1 1 2, ठीक है, बटे 2 गुणा 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए ऊपर चलते हैं, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस के रूट के कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ जाएगा 400 हो जाएगा कितना 400, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 468 हो जाएगा कितना माइनस के 12 400
1248 448 हो जाएगा ठीक है, और बटे इतना 2 ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 20 प्लस माइनस के रूट के, तो यहाँ से देखिए माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 48 बच जाएगा, यहाँ से कितना माइनस के 48, तो देखिए यहाँ पे बटे 2 ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कंडीशन ही कुछ गलत आ रही है ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ऐसा संभव नहीं है ठीक ठीक है। तो ये हमसे क्या क्या मैं हाँ या ना पूछा, क्या ऐसा नियम संभव है, तो मैं लिखूँ नहीं, मैं लिखूँ नहीं ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। क्यों, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम लिख देंगे यस स्थिति संभव नहीं है, तो मैं लिखूँ यह स्थिति स्थिति संभव नहीं है ठीक है, बस यही आंसर इसका हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रोड का जो है माइनस के रोड ये 48 आ रहा है ठीक है। ये हल नहीं, इसे छोड़ना भी चाहे मैं, तो यहाँ पर 20 बटे के तो यहाँ पर 10 आ सकता है इस प्रकार से ठीक है ना।